हेलो। हाँ सर, आवाज आ रही है? ठीक है। यस सर। ठीक है, किसी को डाउट है क्या कल के क्लास में? हेलो। नो सर, कल का मैं नहीं है सर। डाउट नहीं है ना? सर ये ऑप्शन से तो एलिमिनेट होकर पहले आर्टिकल ए आ जा रहा है, फिर सर ए एस सॉल्यूशन तो हाँ, थोड़ा आपका आवाज धीरे है, क्या बोल रहे हो? ये देखो, क्या आप जो क्वेश्चन भेजे उसमें क्या बोल रहा है, बीसी का क्या बोल रहा है? ऑप्शन से तो एलिमिनेट करके बन जा रहा है सर, हाँ, लेकिन सर जैसे सॉल्यूशन बनाने से हो सर, और कोई तो ऑप्शन मैच ही नहीं कर रहा तो बन जा रहा है, लेकिन सर एक बार इसका थोड़ा सा सॉल्यूशन से जैसे -80 डिफ्लेक्शन वो थोड़ा नहीं आ पा रहा है सर, तो एक बार करा दीजिए इसको। कराते हैं। -80 डिफ्लेक्शन नहीं है मैम, वो आपका फिक्स इन मूवमेंट है। जो क्वेश्चन देखो एक बार, जो भेजे हो ना मेरे को आप, हाँ यस सर। वो ना मैं सबको भेज देता हूँ। वो ना एक्चुअली -80 आपका फिक्स इन मूवमेंट है। हाँ वो 80 याद आ रहा है सर, वो तो डंबल हाँ, स्क्वायर का ही घर वो से आ फिक्स, रहा हाँ वो फिक्स इन मूवमेंट है, क्योंकि उसमें आपका स्वे आएगा ही नहीं, क्योंकि सभी एंड आपका फिक्स है। है। हाँ सर, वो 0.25 भी यही हाँ जैसे हाँ आ गया, वो माइनस वो थोड़ा सा बता रही है। हाँ बता, क्वेश्चन देखो आप लोग। हेलो, यस क्वेश्चन सबको आया नहीं? उसको बताओ क्या होगा आंसर, क्या पूछा है आपका? अच्छा, सर, तो ये लैपटॉप छोड़ होगा दिया सर। ऊपर से, चालू कर ले, चार्ज लगा दो। देखो ये जो क्वेश्चन है उसका क्या पूछा है आपका, बीसी मेंबर का पूछा हुआ है। क्या पूछा है बीसी मेंबर का? स्लोप डिफ्लेक्शन इक्वेशन, बताओ क्या होगा ऑप्शन? ऐसे तो ए हो जाएगा बिना ऊपर करने। हाँ, अच्छा अपन लिखते कैसे हैं बताओ पहले। सबसे पहले क्या लिखोगे आप उसका? फिक्स, हाँ फिक्स इन मोमेंट लिखोगे। ठीक है, जिसका पूछा है बीसी का पूछा, तो किसका लिखोगे आप? बीसी का। फिर अपना क्या होता है, प्लस 2EI बाई एल। अब देखो बी से स्टार्ट हो रहा है ना, तो क्या लिखोगे आप? 2 टाइम्स थीटा बी प्लस थीटा सी। अब देखो आपको बीसी का क्या निकालना है, फिक्स इन मोमेंट। पहले बीसी का बताओ फिक्स इन मोमेंट क्या आएगा। ये हो गया बीसी, इसका बताओ फिक्स इन मोमेंट क्या आएगा। उसमें क्या लगा है देखो आपका, यूडीएल। सर ठीक है, और ये कितना मीटर है, ये 8 मीटर है, और कितना लोड, कितना दिया हुआ है लोड का फोटो अच्छा से नहीं भेजा, 10 है 15 है। ऊपर यूडीएल का इंटेंसिटी क्या है? आप क्वेश्चन को अच्छा से नहीं भेजे, ऊपर का क्या है बताओ, लोड का इंटेंसिटी 15 15 है। ठीक है, गुप्ता। हाँ ठीक है। अब देखो, अब आपको बीसी का चाहिए, ठीक है, मतलब आपको कहाँ पर चाहिए? आपको यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज आएगा, यहाँ पे क्लॉकवाइज आपको यहाँ पे चाहिए MF BC। कितना आएगा बताओ? -WL² भाई क्या आता है? 12, यही पढ़े हो। अब देखो -15L² कितना आएगा, देखो ये सर 80 -80। ठीक है, तो अब क्या लिखोगे आप? इसके जगह -80 प्लस 2EI, एल की जगह कितना है? 8। आगे सर आगे। अब ये कितना है, -80 प्लस ये हो जाएगा आपका 0.25। ठीक है, आपका ऑप्शन क्या आएगा? ए आएगा। देखो ये क्वेश्चन में आपको सॉल्व करने की जरूरत भी नहीं, आप ऑप्शन देखकर बता सकते हो, क्योंकि देखो आपका माइनस तो होगा नहीं, तो ऑप्शन डी नहीं होगा। और जो थीटा है आपका
बी में, वो बी में 2 टाइम्स होगा, तो एक ही ऑप्शन में देखो, ऑप्शन ए में है 2 थीटा भी, और ऑप्शन आपका डी में भी है लेकिन डी में माइनस है तो वो तो होगा नहीं, तो आप ऐसे बता सकते हो ऑप्शन क्या होगा आपका, ए आएगा। ठीक है, सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगा, ऑप्शन क्या आएगा आपका, ए आएगा। देखो ट्रस्ट में आपका, ट्रस्ट बोल रहा हूँ, क्या बोलते हैं, स्लोप डिफ्लेक्शन में आपका इसी टाइप का क्वेश्चन आता है, आपको स्लोप डिफ्लेक्शन का क्वेश्चन पूछ देगा, और क्या पूछेगा उसका, या तो रोटेशन पूछेगा जो कल एक क्वेश्चन किए थे, और तीसरा क्या पूछ सकते हैं आपका, हॉरिजॉन्टल शियर इक्वेशन, बस 3 क्वेश्चन बनता है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव के लिए, इससे बाहर नहीं आएगा आपका ऑब्जेक्टिव के लिए। ठीक है, हाँ लोड लगे तो रेस्टिंग मोमेंट हो, फिक्स इज मोमेंट, मतलब कोई भी लोड लगेगा तो फिक्स में कितना मोमेंट जनरेट होगा। ठीक है, ठीक है, ये वाला बन जाएगा ना सबसे, हाँ ये माइनस आपका एंटी क्लॉकवाइज से, देखो ये आप मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन में क्लास में नहीं थे क्या, फिक्स इन मोमेंट जब बताया था उसमें मैं कैसे बताया था, देखो ऊपर से लोड लगा है तो ये कैसे बैंड की कोशिश करेगा, देखो डाउनवर्ड ऐसे जाएगा, ठीक है ऐसे बैंड होगा नीचे तरफ, अब देखो यहाँ पर रोटेशन कैसा आ रहा है, कैसा आ रहा क्लॉकवाइज, इसको रजिस्ट करने के लिए मोमेंट कैसा आएगा, एंटी क्लॉकवाइज, और इसको देखो यहाँ पे कैसा कैसा ये मुड़ने की कैसे कोशिश कर रहा है, एंटी क्लॉकवाइज, तो रजिस्टिंग मोमेंट कैसा आएगा, क्लॉकवाइज, और क्लॉकवाइज को फिक्स इन मोमेंट में आपको क्लॉकवाइज को पॉजिटिव लेना है, एंटी क्लॉकवाइज को क्या लेना है, निगेटिव, आपको क्लॉकवाइज को क्या लेना है पॉजिटिव, एंटी क्लॉकवाइज क्या लेना है आपको निगेटिव। ठीक है, इसलिए आपका ए से भी क्या होता है, माइनस होता है, क्योंकि जितना भी आपका फिक्स बीम रहेगा, जितना भी आपका ऊपर से लोड रहेगा, हमेशा आपका ए से बी क्या हो जाएगा, माइनस, लेकिन सिर्फ एक केस में क्या होता है, कपल वाले केस में क्या होता है, अलग होता है, कपल वाले केस में क्या होता है बताओ, बताया था ना, अगर आपका ये कपल है, बस इस वाले केस में आपका साइन अलग होता है, बाकी सब में क्या होता है, ए से बी माइनस होगा और बी से क्या होगा आपका, प्लस होगा, इसका बताओ क्या होगा साइन, इसका मेरे को दोनों क्लॉकवाइज मोमेंट कैसा आएगा, दोनों प्लस m बाय 4 मोमेंट, मोमेंट का साइन बताओ, फिक्स इन मोमेंट से ही बताया ना, इसमें कितना आएगा फिक्स इन मोमेंट, पॉजिटिव m बाय 4 होगा, पॉजिटिव है सर, लेफ्ट वाले साइड में एंटी क्लॉक रहेगा, क्लॉक वाइज आएगा तो क्या आएगा, दोनों में क्लॉक वाइज आएगा, आप लिखवाए हो ना, बताया भी था आपको याद करने का तरीका, अगर क्लॉक वाइज है तो दोनों में कैसा आएगा आपका, क्लॉक वाइज, अगर एंटी क्लॉक है तो दोनों में क्या आएगा आपका, एंटी क्लॉक वाइज, नीचे उसको बैंड करके देखो, एक क्लॉक वाइज कैसे बैंड होगा, देखो यहाँ पे क्या दिया हूँ, क्लॉक वाइज, तो देखो रोटेशन कैसा दिया हूँ यहाँ पे, क्लॉक वाइज, अब देखो यहाँ पे मैं अप्लाई किया हूँ एक्सटर्नल, यहाँ इसको मोड़ा हूँ तो इसका डायरेक्शन तो उसी डायरेक्शन पर रहेगा, लेकिन जो रजिस्ट करेगा उसका डायरेक्शन क्या रहेगा, अपोजिट, हमेशा याद रखना, जहाँ मोमेंट अप्लाई कर रहे हैं वहाँ पे रोटेशन सेम डायरेक्शन पे आएगा, क्योंकि वहाँ पे अपन दे रहे हैं, बाकी एंड अगर फिक्स है तो क्या करेगा, मोमेंट को रजिस्ट करेगा, अगर वो फिक्स नहीं है तो क्या होगा आपका, मोमेंट जीरो हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे ये कैसा जा रहा है, कैसा बैंड करने की कोशिश कर रहा है, एंटी क्लॉकवाइज, तो कैसा रजिस्टिंग मोमेंट आएगा, क्लॉकवाइज, यहाँ पे देखो कैसा बैंड करने की कोशिश कर रहा है, एंटी क्लॉकवाइज, तो मोमेंट कैसा आएगा, क्लॉकवाइज, और कितना आता है एम बाई फोर, अगर सेंटर पे तो एम बाई फोर, ऐसा साइन लेना है। ठीक है, इस वाले केस के लिए बाद क्या होता है, दोनों में क्लॉकवाइज हो जाता है, अगर क्लॉकवाइज लगा है तो, अगर एंटी क्लॉकवाइज लगा तो दोनों में क्या हो जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। ये क्वेश्चन समझ में आया ऊपर वाला, आप हमेशा ये रोटेशन को देखना कैसा जा रहा है, तो आपको कभी भी मोमेंट का साइन में कभी भी कंफ्यूजन नहीं आएगा, अगर उसको रटोगे तो आप भूल जाओगे। ठीक है, सर जी घर एक बार और बता दीजिए सर, हाँ क्या बोल रहे हो आप सर, एक बार और बता दीजिए, कौन सा बताऊं, ये वाला, हाँ सर, अब देखो ये क्लॉकवाइज यहाँ पे क्या लगा है मोमेंट, तो रोटेशन कैसा आएगा यहाँ पे, क्लॉकवाइज, तो क्लॉकवाइज आपको बस बेंड करना है, देखो यहाँ से ऊपर जाएगा क्लॉकवाइज जा रहा है कि नहीं थीटा, यहाँ से देखो नीचे ये क्लॉकवाइज बेंड हो रहा है कि नहीं, क्लॉकवाइज हो रहा है, अब देखो यहाँ पे ये फिक्स एंड है, फिक्स एंड आप इसको बेंड होने देगा क्या,
नहीं, उसका रजिस्ट करेगा तो वहां पे मोमेंट डेवलप होगा। आप रजिस्ट देखो करेगा यहाँ पे चलो। कैसा कैसा मुड़ रहा है, ये देखो रोटेशन को देखो कैसा मुड़ रहा है यहाँ पे, एंटी क्लॉकवाइज। तो उसको रजिस्ट करने के लिए मोमेंट कैसा आएगा, क्लॉकवाइज। और इस एंड पे क्लॉकवाइज देखो ये भी एंटी क्लॉकवाइज क्या हो रहा है, बैंड होने की कोशिश कर रहा है। तो यहाँ पे भी मोमेंट कैसा आएगा आपका, क्लॉकवाइज। और इस वाले केस में देखो यहाँ पे कैसे बैंड होने की कोशिश कर रहा है, एंटी क्लॉकवाइज। तो मोमेंट कैसा आएगा, क्लॉकवाइज। यहाँ पे कैसा हो रहा है, क्लॉकवाइज। तो कैसा आएगा मोमेंट आपका, एंटी क्लॉकवाइज। अब फिक्स इन मोमेंट को हमेशा क्या लेना है, क्लॉकवाइज को पॉजिटिव, एंटी क्लॉकवाइज को निगेटिव। ठीक है, क्या था, फ्री रहता तो बनता ही नहीं, अनस्टेबल हो जाता। मैं समझे नहीं क्या बोल रहा हूँ। हाँ उल्टा क्यों घूमेगा, जब तक वहां पे सपोर्ट होगा तभी तो आप लगाओगे, सपोर्ट नहीं रहेगा तो अनस्टेबल हो जाएगा। कुछ ना कुछ सपोर्ट रहेगा ही हो, सिंपली सपोर्ट रहेगा तो भी तो आपका ये ऐसे ही बैंड होगा, लेकिन क्या होगा ये रजिस्ट नहीं करेगा। बस यहाँ पे मोमेंट क्या हो जाएगा आपका, जीरो, क्योंकि आपका हिंज पे कोई भी मोमेंट नहीं आता। ठीक है, बाकी डायरेक्शन आपका सेम रहेगा, ये बस वो रजिस्ट नहीं करेगा, उसको जीरो हो जाएगा। ठीक है, आप लोग बन गया ना का स्लोप डिफ्लेक्शन, उसमें तीन ही टाइप के क्वेश्चन बनता है आपको जो बताया। पहला क्या आपको कोई भी फ्रेम दे देगा या फिर कोई भी बीम देगा, क्या बोलेगा उसका आप स्लोप डिफ्लेक्शन इक्वेशन लिखो। सेकंड क्या पूछेगा आपका, उसका क्या निकालो आप, रोटेशन जो आप निकाले थे कल। और क्या पूछेगा, हॉरिजॉन्टल शियर इक्वेशन। बस तीन चीज पूछता है ठीक है एग्जाम में, उसको बस प्रैक्टिस करना आपसे आ जाएगा। नेक्स्ट क्या आपका ट्रस, इससे क्वेश्चन आपका एग्जाम में आता ही है। ठीक है, दोनों बार एस सी एस में आया है। क्या बोल सर, रहे हो, स्टेट जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन आते कि नहीं ट्रस्ट से? ट्रस्ट में आता है, स्टेट में ही आता है। स्टेट में देखो अभी दो पेपर आप दिए होगे, दोनों में आया था। क्या इसमें देखो क्या पूछता है, सिंपल, या तो एक मेंबर में फोर्स पूछेगा बस, या फिर कितने मेंबर में जीरो फोर्सेस आ रहे हैं। अभी दो जो ए का पेपर हुआ है उसमें क्या पूछा हुआ है कि कितने मेंबर में जीरो फोर्सेस है। ठीक है, तो आपको बस वही अच्छा से सीखना है कि कैसे निकालते हैं जीरो फोर्सेस। अच्छा, ट्रस्ट का अपन कहाँ यूज करते हैं, आपको बताया था फर्स्ट क्लास में, कहाँ यूज करते हैं ट्रस्ट, ब्रिज में करते हैं, ओवर देखे हो, रेलवे ओवर ब्रिज में ब्रिज करते वगैरह हैं। में सर, हाँ ओवर ब्रिज में। हाँ ठीक है, ये इकोनॉमिकल कब होता है बताओ, जब क्या होगा, जिस जब भी आपको ज्यादा लेंथ का यूज करना है तब तब इसमें क्या करते हैं, ट्रस्ट को यूज करते हैं, तभी आपका क्या होता है इकोनॉमिकल। अगर आपका छोटा सा 10 मीटर के यूज करोगे तो क्या हो जाएगा, ये आपका अनइकोनॉमिकल हो जाएगा। ठीक है, ट्रस्ट आपका कैसा कनेक्शन होता है, पिन होता है कि डिजिट होता है, पिन जॉइंटेड। आप ये आपको बता चुका हूँ, ट्रस्ट क्या होता है आपका, पिन जॉइंटेड। फर्स्ट क्लास में बताया था आपको पिन जॉइंटेड का मतलब क्या होता है, जो भी जॉइंट कैसे कनेक्ट रहेंगे, पिन से कनेक्ट रहेंगे। ठीक है, देखो ये आपका ट्रस्ट भी आपका दो टाइप का होता है, एक क्या होता है परफेक्ट होता है, दूसरा क्या होता है इम्परफेक्ट। टू जी थ्री जी तो पढ़ाए उसको भूल जाओ, अभी ये भी क्या होता है दो टाइप का, एक क्या होता है आपका, एक होता है आपका परफेक्ट ट्रस्ट, एक होता है इम्परफेक्ट। परफेक्ट किसको बोलोगे बताओ, किसी को पता है क्या, ट्रायंगल। परफेक्ट ट्रस्ट किसको बोलोगे, जिसमें आपका जितना भी इंटरनल फोर्स है वो किसके इक्वल हो जाएगा आपका, इक्विलिब्रियम इक्वेशन के, उसको क्या बोलते हैं अपन, परफेक्ट ट्रस्ट। जितना भी आपका ट्रस्ट का मेंबर है, ट्रस्ट के हर मेंबर में एक ही फोर्स आता है, तो जितना भी ट्रस्ट का इंटरनल रेजिस्टेंस है किसके इक्वल हो जाएगा, इक्विलिब्रियम इक्वेशन के, उस टाइप के ट्रस्ट को क्या बोलते हैं अपन, परफेक्ट ट्रस्ट। टू डी के लिए बताओ, आपको बताया था टू डी के लिए क्या होता है, एम इक्वल टू क्या होता है, 2J माइनस 3। आपका अगर मेंबर किसके इक्वल हो जाएगा, इक्विलिब्रियम इक्वेशन के, तो वो क्या हो जाएगा आपका, परफेक्ट ट्रस्ट। अगर आपका नहीं होगा तो क्या होगा आपका, वो इम्परफेक्ट। इसका मीनिंग बताओ, 2J माइनस 3 का मीनिंग क्या होता है, जॉइंट में से दो रिएक्शन लगेंगे। एम मतलब क्या हो गया आपका, रेजिस्टेंस हो गया, एम मतलब एक्सियल फोर्स हो गया आपका हर मेंबर में। जितने भी मेंबर आपके, जितने भी मेंबर है वो किसके इक्वल है आपका, इक्विलिब्रियम इक्वेशन के। ये क्या है आपका, 2J माइनस 3 क्या है, इक्विलिब्रियम इक्वेशन है। ट्रस्ट के हर जॉइंट में कितना, ट्रस्ट के हर जॉइंट में कितना इक्विलिब्रियम इक्वेशन होता है,
दो दो टू एफ एक्स से, एफ वाई अब ये थ्री क्या होता है, पूरे पूरे स्ट्रक्चर में तीन होता है, तो तीन ऑलरेडी ले चुके इसलिए इसको माइनस किए। आपको बताया था डीके निकालते समय, ठीक है। एम क्या हो गया आपका, मेंबर हो गया, जितने भी मेंबर है वो किसके इक्वल होंगे आपके इक्विलिब्रियम इक्वेशन के, तो उस टाइप के ट्रस्ट को क्या बोलते हैं अपन, परफेक्ट। अगर नहीं होगी तो उसको क्या बोलेंगे अपन, इम्परफेक्ट। ये आपका 2D के लिए हो गया। अब 3D के लिए बताओ क्या हो सकता है, 3D के लिए आपके एग्जाम में बस पूछा था कंडीशन, SES में देखना क्या होता है बताओ, जो मेंबर है किसके इक्वल होगा, 3J माइनस 3, ठीक है, 6 होता है कि 3 होता है बताओ, सिक्स होगा ना, सिक्स होगा सर, ग्रेजुएट में सिक्स होता है ना सर, सिक्स होता है पक्का बताओ, ग्रेजुएट में सिक्स होता है सर, इसमें कहाँ सिक्स होता है, तुक्का मार रहे क्या कर रहे हो बताओ सर, प्लेन वाले में 3 होता है, रिजिट वाले में 6 होता है, मतलब इसमें 3 होगा, स्पेस में आप बताया था इक्विलिब्रियम इक्वेशन 6 रहता है, 3 होगा आपका, कॉपी को मेरे को लगता है पढ़े हो अच्छा से, क्या होता है 3 कॉपी पर तो निकालो डीके को क्या पढ़ाए हो, मैं 3 होगा कि 6 होगा, 3 होगा सर, 3 था सर, 6 लिखा हुआ, 6 नहीं लिखा होगा, सही है सर, सर रिजिट के लिए 6 था 3D में, इसके लिए 3 था सर, रिजिट के लिए 6 होता है, ट्रस्ट के लिए 3 होता है, देखो कॉपी चेक करो, हाँ, और इसके लिए ट्रस्ट के लिए सर ट्रस्ट के लिए 6 लेते हैं सर, आप लोगों का डाउट अभी यहीं पे क्लियर करो, 6 होता है कि 3 होता है, अपने से दिमाग लगा के बताओ, 6 होगा सर क्योंकि 6 होगा कि 3 होगा, अपने से दिमाग लगा के बताओ, क्योंकि सर 3 डायमेंशनल में जो नंबर ऑफ, जैसे अपन इसमें 3 होता है ना सर, इसमें 6 होता है, तो 6 माइनस करेंगे ना, रिजिट के लिए होता है सर 6, अब बताओ 3 होगा कि 6 होगा, जी सर 6 होगा सर, 6 होगा सर, 6 6 होगा कि 3 होगा बताओ सर, 6 होगा, कितना होगा, 6 होगा, 6 क्यों होगा बताओ सर, अगर 3D रहेगा तो 3 और 2D रहेगा तो 2, ये आपका क्या है इक्विलिब्रियम इक्वेशन है, आपका 3D में हमेशा 6 होता है, ठीक है, जब आप सपोर्ट रिएक्शन निकालोगे तो मोमेंट इक्वेशन यूज करोगे आप, तो उसमें माइनस क्या करोगे 6, ठीक है। अब देखो इम्परफेक्ट भी आपका दो टाइप का होता है, एक क्या होता है आपका, एक क्या होता है आपका बताओ, एक अगर आपका m ग्रेटर देन क्या रहेगा, मैं 2D का बता रहा हूँ, ठीक है, ग्रेटर देन अगर 2J माइनस 3 रहेगा तो इसको क्या बोलते हैं बताओ, अगर m, अच्छा ये डाउट किसी का अभी भी डाउट है क्या, ये 6 कैसे हुआ बताओ, और ये 3 कैसे हुआ, अभी भी डाउट है क्या आप लोग को, नो सर, डीके में पढ़ाया था आप लोग को ट्रस्ट के हर जॉइंट में कितने इक्विलिब्रियम इक्वेशन होता है, 2D में 2, अब ये माइनस 3 क्यों यूज किया अपन, 2D में के लिए पूरे स्ट्रक्चर के लिए कितना इक्विलिब्रियम इक्वेशन होता है 3, इसलिए माइनस 3 किए, 3D में कितना होता है 6, तो 6 को ऑलरेडी यूज कर चुके हैं अपन, इसलिए क्या किया अपन 6, ठीक है, हाँ ये 6, ठीक है, हाँ तीनों, तो ये क्या हो गया आपका 6। अब बताओ अगर m ग्रेटर देन आपका क्या होगा, m ग्रेटर देन आपका अगर 2j माइनस 3 होगा, ये इसको क्या बोलते हैं बताओ, ये आपके एग्जाम में पूछता है, ग्रेटर देन होगा तो स्टेबल होगा सर, और लेस देन होगा तो अनस्टेबल होगा, स्टेबल तो हो गई, लेकिन अगर m आपका ग्रेटर देन 2j माइनस 3 है, मतलब मेंबर क्या है आपका, देखो इक्विलिब्रियम इक्वेशन से ज्यादा है, मतलब एक अननोन क्या रहेगा आपका ज्यादा रहेगा, तो उसको क्या बोलोगे आप, रिडंडेंट बोलोगे, एक्स्ट्रा को क्या बोलते हैं अपन, रिडंडेंट फोर्स बोलते हैं, क्या बोलोगे उसको, रिडंडेंट एंड स्टेबल ही रहेगा, स्टेबल क्यों रहेगा, क्योंकि आपके पास मेंबर ज्यादा है लेकिन इक्विलिब्रियम इक्वेशन क्या है कम है, तो क्या हो जाएगा वो स्टेबल। अब ये देखो मेंबर क्या है आपके पास कम है लेकिन इक्विलिब्रियम इक्वेशन क्या आपके पास ज्यादा है, तो रिड्यूस कर पाएगा क्या, नहीं, तो क्या हो जाएगा वो अनस्टेबल, लेकिन क्या होगा आपका डिटरमिनेट होगा कि इनडिटरमिनेट होगा, डिटरमिनेट होगा, क्योंकि मेंबर का जो अननोन फोर्सेस है वो कम है, आपके पास इक्विलिब्रियम इक्वेशन क्या है
ज्यादा है तो क्या होगा, ये डिटरमिनेट तो होगा लेकिन क्या होगा, अनस्टेबल। मैं स्टेबल और अनस्टेबल इस चर्च में बताऊंगा लास्ट में, ठीक है, चैप्टर होने के बाद इसका स्टेबल और अनस्टेबल पढ़ेंगे अपन। अगर आपका एम इक्वल टू टू जे माइनस थ्री होगा तो क्या होगा, आपका स्टेबल तो होगा लेकिन डिटरमिनेट होगा कि इनडिटरमिनेट होगा, डिटरमिनेट होगा, डिटरमिनेट होगा, बताओ। एम इक्वल टू टू जे माइनस थ्री, आप मेरे को बताओ डिटरमिनेट होगा कि इनडिटरमिनेट होगा, डिटरमिनेट होगा सर, क्योंकि देखो जितना मेंबर है उतना आपके पास क्या इक्विलिब्रियम इक्वेशन है, तो आप निकाल लोगे तो क्या होगा आपका ये डिटरमिनेट, और क्या हो जाएगा आपका स्टेबल। स्टेबल क्यों होगा, क्योंकि जितना आपके पास मेंबर है उतना ही आपके पास क्या है इक्विलिब्रियम इक्वेशन है। अब देखो इस वाले केस में देखो एम ग्रेटर देन बोल रहा है, एम का मतलब क्या हो गया, दस का मेंबर, दस के हर मेंबर में एक अननोन रहता है, टू जे माइनस थ्री। अगर आपका मेंबर ज्यादा है इक्विलिब्रियम इक्वेशन क्या है कम है, तो मेंबर ज्यादा है मतलब आपका रिडंडेंट हो जाएगा, और इक्विलिब्रियम इक्वेशन क्या है आपके पास कम है तो क्या हो जाएगा स्टेबल हो जाएगा। अगर आपके पास एम लेस देन क्या है टू जे माइनस थ्री, मेंबर कम है लेकिन इक्विलिब्रियम इक्वेशन क्या है आपके पास ज्यादा है तो क्या होगा, उसको आप निकाल तो सकते हो लेकिन क्या होगा अनस्टेबल, ये क्या होगा आपका इनडिटरमिनेट होगा। इनडिटरमिनेट क्यों होगा, क्योंकि आपके पास मेंबर क्या है ज्यादा है, इक्विलिब्रियम इक्वेशन क्या है कम, तो रिडंडेंट को आप क्या लिख सकते हो, आप इनडिटरमिनेट लिख सकते हो, ठीक है, इसमें कंफ्यूज नहीं होगा आपको। क्योंकि आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है, ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन दे देगा, आपको पूछेगा बताओ ये आपका ये कौन सा ट्रस्ट है, परफेक्ट ट्रस्ट है कि इम्परफेक्ट है, अगर इम्परफेक्ट तो आपका रिडंडेंट है कि आपका आपका अनस्टेबल है कि आपका डिटरमिनेंट है, जैसे आपका ये क्वेश्चन है, ठीक है, आपको आप मेरे को बताना है क्या होगा। अब बताओ ये कौन सा ट्रस्ट है, किसके अंदर आएगा आपका, परफेक्ट में आएगा कि इम्परफेक्ट में आएगा, कैसे पता चला, देखो तुक्का नहीं मानना है आपको, रीजन बताना है, परफेक्ट है तो क्यों है और इम्परफेक्ट है तो क्यों है, बताओ सर, क्योंकि इसमें जो नंबर ऑफ एम इक्वल टू टू जे माइनस थ्री हो रहा है सर, इसमें इक्वल हो जाएगा क्या, ये आपको लिखवाया हूँ एम इक्वल टू टू जे माइनस थ्री, कितना मेंबर है, देखो कितना मेंबर है आपके पास, तीन मेंबर, तीन आपके पास है, और 2j माइनस 3 निकालो, 2 इंटू 3 माइनस 3 माइनस 3 तो m इक्वल टू क्या आया यहाँ पे, m इक्वल टू क्या आया मतलब 2j माइनस 3 दोनों सेम आया कि नहीं, तो क्या हो गया ये आपका परफेक्ट टेस्ट। इसलिए बताया जब परफेक्ट टेस्ट समस्या क्या होता है, परफेक्ट टेस्ट समस्या कैसा बनता है आपका, ट्रायंगल बनता है, इसलिए डीएस में आपको शॉर्टकट बताया था कैसे निकालना है, क्योंकि परफेक्ट टेस्ट समस्या कैसे बनता है आपका, ट्रायंगल। अब जैसे ये क्वेश्चन है, ठीक, इसका बताना, अब बताओ ये आपका किसके अंदर कौन सा ट्रस्ट होगा, परफेक्ट होगा कि इम्परफेक्ट होगा, इम्परफेक्ट सर, इम्परफेक्ट क्यों है बताओ सर, एक जगह ट्रायंगल नहीं बन पा रहा, परफेक्ट ट्रायंगल आप जनरली देख के बता सकते हो, लेकिन क्या है जनरली आप कैलकुलेट करो, ठीक है, उसमें आपको कभी कंफ्यूजन नहीं आएगा। आप देखो इसमें मेंबर कितना है, गिनो कितना मेंबर है, 12 आपका, देखो 6 हॉरिजॉन्टल मेंबर है, 4 वर्टिकल है, 2 क्या है इंक्लाइन, कितना हो गया टोटल 12। अब क्या लिखो 2j माइनस 3, कितना जॉइंट है देखो आपके पास 8 माइनस 3 कितना आया ये 13 आपके पास क्या है m लेस देन क्या है आपके पास, देखो एक मेंबर कम है
एम कितना है 12, 2j-3 कितना है 13, तो एम लेस देन क्या है 2j-3, तो ये क्या हो जाएगा आपका, आपका क्या हो जाएगा ये डिटरमिनेंट एंड अनस्टेबल। डिफिशिएंट मतलब क्या होता है, कम, एक मेंबर कम है, डिफिशिएंट बोल सकते हो और क्या बोल सकते हो अनस्टेबल। डिफिशिएंट मतलब क्या होता है, कमी होता है मेंबर का। रिडंडेंट मतलब क्या होता है, ज्यादा। तो इसको आप यहां पे डिफिशिएंट भी लिख लो, ठीक है। डिफिशिएंट मतलब क्या होता है, मेंबर क्या है आपके पास, कम है, और रिडंडेंट मतलब मेंबर क्या है आपके पास, ज्यादा है। अगर ये सेम क्वेश्चन रहेगा, अब मैं इसमें ऐसे करूं, अब बताओ क्या होगा, अब ये अगर टास्क कैसे चेंज किया, अब बताओ ये क्या होगा। अब देखो कितना मेंबर आपके पास हो गया, ज्यादा हो जाएगा सर। हाँ, कितना मेंबर हो गया, 15 हो गया, 16 होगा, 16 हो जाएगा सर, बाकी सब तो सेम ही रहेगा। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका एम ग्रेटर देन ये, तो ये क्या हो जाएगा आपके पास मेंबर आपके पास एक्स्ट्रा है, तो उसको क्या बोलते हैं अपन, रिडंडेंट। ये क्या हो जाएगा आपके पास, एग्जाम में देखो पूछता है, ये स्टेबल है अनस्टेबल में इसी चैप्टर में लास्ट में कराऊंगा, ठीक है। उसका भी चार कंडीशन होता है, बस आपको चार कंडीशन को आपको देखना है, आप बता दो कि स्टेबल है क्या अनस्टेबल है। देखो याद रखो, दो तरह से आपका पिन जॉइंटेड क्या होता है, दो टाइप का होता है, एक क्या होता है आपके पास परफेक्ट, एक क्या होता है इम्परफेक्ट। परफेक्ट मतलब जितना भी उसके अंदर मेंबर है किसके इक्वल होगा आपका, इक्विलिब्रियम इक्वेशन के। अब 2D में बताया हूँ कितना इक्विलिब्रियम इक्वेशन होता है, हर जॉइंट पे 2 और 3 आपके पास होल होता है, तो क्या करोगे 2g-3, और 3D में कितना होगा 3j-6। इम्परफेक्ट मतलब आपका इक्वल नहीं होगा, या तो ग्रेटर देन होगा या तो लेस देन। अगर ग्रेटर देन होगा मतलब क्या हो गया आपके पास, मेंबर आपके पास एक्स्ट्रा है, इक्विलिब्रियम इक्वेशन कम है, मतलब क्या हो जाएगा इनडिटरमिनेट, या फिर क्या बोल सकते हो रिडंडेंट। अगर आपके पास एम मेंबर कम है, इक्विलिब्रियम इक्वेशन ज्यादा है, तो क्या हो जाएगा अनस्टेबल। अब देखो इसमें अपन क्या पढ़ते हैं, अजम्पशन, ट्रस्ट का अजम्पशन पढ़ना है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेता है, ठीक है। बताओ क्या क्या अजम्पशन होता है ट्रस्ट का, अपन 2-3 तो पहले पढ़े थे ना, जब आपको दोनों का डिफरेंस बताया, इसका अजम्पशन बताओ क्या क्या है। एक्सियल फोर्स ओनली रेजिस्टेंस सर, एक्सियल लोडिंग बस लगेगा इसमें। देखो इसका अजम्पशन आप लिखो, क्या है अजम्पशन है बताओ अपने से, क्या क्या अजम्पशन है इसका, क्या क्या अपन एज्यूम करते हैं। पहले तो जो भी मेंबर है कैसे कनेक्ट होता है, पिन और रोलर, पिन जॉइंटेड, हिंज होता है, हिंज कनेक्ट रहता है, हिंज और पिन। क्या होता है हिंज और पिन होता है, ठीक है, एट विच मेंबर आर कनेक्टेड, उसको क्या एज्यूम करते हैं अपन, फ्रिक्शनलेस। फ्रिक्शनलेस का मतलब क्या होता है, बेंडिंग मोमेंट क्या होता है जीरो। फ्रिक्शनलेस का मतलब क्या होता है, बेंडिंग मोमेंट उसमें क्या है आपका जीरो। जो भी मेंबर आपका पिन से कनेक्ट रहता है अपन क्या एज्यूम करते हैं, उसमें बेंडिंग मोमेंट कितना है आपका जीरो। पहला आपका जंक्शन नहीं हो गया। सेकंड जंक्शन क्या होता है, जो भी आपका एक्सटर्नल लोड है कहां पे एक्ट करेगा, जॉइंट पे, सिर्फ जॉइंट पे, ठीक है। तो क्या लिखोगे, एक्सटर्नल, ये सब एग्जाम में पूछ सकता है। क्या लिखा है सर, 2D के बाद क्या लिखा है, 2D कहां पे लिखा है, 2D फ्रिक्शनलेस। अच्छा, आर 2B फ्रिक्शनलेस। फ्रिक्शनलेस मतलब क्या होता है, उसमें बेंडिंग मोमेंट क्या हो गया आपका जीरो, कुछ भी रोटेशन का रेजिस्टेंस नहीं है। फ्रिक्शनलेस मतलब बेंडिंग मोमेंट क्या हो गया उसमें आपका जीरो। एक्सटर्नल लोड सूट एक्ट, एक्ट कहाँ पे एक्ट करता है, सिर्फ जॉइंट पे, और कहीं पे नहीं करेगा। जॉइंट पे करेगा तभी आपका कौन सा फोर्स आएगा, एक्सियल फोर्स। अब मेंबर में हमेशा कौन सा फोर्स आता है इसमें, एक्सियल। और क्या होता है,
कैसा होगा आपका मेंबर? स्ट्रेट होगा, कर्व नहीं होगा, ठीक है? कर्व होगा तो उसमें क्या आ जाएगा, बेंडिंग आ जाएगा। तो हमेशा मेंबर ऑफ द ट्रस्ट कैसा होना चाहिए आपका? स्ट्रेट होना चाहिए, सीधा होना चाहिए, ठीक है? कर्व नहीं होना चाहिए मेंबर। जो आपका मेंबर कनेक्ट रहता है ट्रस्ट का, कैसा होना चाहिए? हमेशा स्ट्रेट होना चाहिए। और क्या आता है? सेल्फ पेट को अपन क्या करते हैं? नेगलेक्ट, नेगलेक्ट। अच्छा, सेल्फ पेट को नेगलेक्ट क्यों करते हैं? अगर सेल्फ पेट को कंसीडर करोगे तो उसकी वजह से क्या आ जाएगा? उसमें बेंडिंग आ जाएगा। बेंडिंग, कोई भी सेल्फ पेट किसी करेगा तो ऐसे बेंड हो जाएगा कुछ दिन के बाद। हो तो सेल्फ पेट को इसलिए हमेशा क्या लेके चलते हैं? उसका नेगलेक्ट। ये सब अजम्पशन है, ठीक है? जैसे अपन सॉम में पढ़े थे, प्योर सीयर में पढ़े थे, प्योर सीयर में क्या करते हैं अपन? सेल्फ पेट को क्या कर देते हैं? नेगलेक्ट। क्यों नेगलेक्ट करते हैं? क्योंकि सेल्फ पेट की वजह से क्या आ जाएगा? उसमें बेंडिंग आ जाएगा, इसलिए अपन सेल्फ पेट को क्या कर देते हैं? नेगलेक्ट। वैसे ही अपन ट्रस्ट में क्या करेंगे? उसका सेल्फ पेट को क्या कर देंगे अपन? नेगलेक्ट, ठीक है? ये चार जंक्शन आप याद रखना। अरे चौथा पांचवा क्या लिख सकते हो? हमेशा आपका फोर्स कहाँ पे लगता है? जॉइंट पे। ये आपको पहले भी लिखवा चुका हूँ मैं। ट्रस्ट में जो भी एक्सटर्नल लोड है कहाँ पे लगता है? जॉइंट पे, ठीक है? हाँ, अच्छा लिखा हुआ है क्या? ठीक है, हाँ। एक्सियल लोड फर्स्ट में, लास्ट क्या लिखे है? एज्यूम्ड टू बी के बाद क्या लिखा है? फ्रिक्शनलेस। फ्रिक्शनलेस मतलब बेंडिंग मोमेंट क्या होता है इसमें आपका? जीरो। सर थर्ड पॉइंट एक बार बताइएगा। जो आपका ट्रस्ट का मेंबर है वो कैसे रहेगा आपका? स्ट्रेट रहेगा, कर्व नहीं रहेगा। कैसे मेंबर रहेगा आपका? तो ट्रस्ट का मेंबर है कैसे रहेगा आपका? वो स्ट्रेट रहेगा ऐसा, ठीक है? आपके पास इससे बता देता हूँ, कर्व नहीं रहेगा आपके पास। जो मेंबर रहेगा कैसे रहेगा आपके पास ट्रस्ट का? स्ट्रेट रहेगा। इसके मेंबर कैसे रहेगा आपके पास? स्ट्रेट रहेगा, कर्व शेप में नहीं रहेगा। कर्व मतलब आपका ये मेंबर थोड़ा सा बैंड में नहीं रहेगा, ऐसे नहीं रहेगा। कैसे रहेगा आपके पास? स्ट्रेट रहेगा, बैंड नहीं रहेगा, ठीक है? सर वो स्ट्रेट नॉट कर्व लिखा है क्या? क्या लिखा है सर वो? स्ट्रेट होगा, नॉट कर्व, कर्व नहीं होगा। कैसा होगा आपके पास? स्ट्रेट होगा, जॉइंट पे लगेगा, मेंबर भी रहेगा। मेंबर में लगेगा तो उससे बैंडिंग आ जाएगा। हां यस सर। तो एक्सेल है लेकिन वो लेकिन कई पास तो यूज हो रहा था सर। करो मेंबर क्या सर? फोर्थ पॉइंट में सेल्फ के बाद क्या लिखें? सेल्फ वेट ऑफ द ट्रस्ट इज नेगलेक्टेड। अपन जो ट्रस्ट का सेल्फ वेट है उसको क्या करते हैं अपन? नेगलेक्ट, कंसीडर नहीं करते हैं, ठीक है? क्या पुष्पेन क्या डाउट पूछ रहे थे आप? हेलो सर, लेकिन कई जगह तो सर वो ट्रस्ट में मतलब ऑडिटोरियम वगैरह बना रहता है, वहां पर कर्व लेते हैं मेंबर? नहीं, मेंबर कर्व कैसे रहता है? मेंबर आपका स्ट्रेट रहता है। स्ट्रेट का मतलब क्या होता है? आपका मेंबर आपका सीधा होगा। जैसे ये हो गया, मान लो ये ट्रस्ट है आपका, देखो इसका जो भी मेंबर है क्या है? एकदम स्ट्रेट है, कर्व के फॉर्म में थोड़ी है मेंबर। कर्व मतलब क्या हो गया आपका? जैसे ये दोनों कनेक्ट है, ये आपका कर्व ऐसा कर्व के फॉर्म में नहीं रहेगा। कैसे रहेगा आपका? स्ट्रेट ये रहेगा, स्ट्रेट रहेगा आपका, कर्व नहीं रहेगा, ठीक है? ये हो गया कर्व, ये क्या हो गया मेंबर आपका? स्ट्रेट। तो अपन क्या एज्यूम करते हैं कि जो भी मेंबर कनेक्ट है पिन जॉइंट से, कैसे है आपका? स्ट्रेट है, कर्व के शेप में कनेक्ट नहीं। कैसा है आपके पास? स्ट्रेट है, ठीक है? इसका मतलब वही थर्ड पॉइंट का, मेंबर कैसा होना चाहिए आपका? स्ट्रेट, कर्व नहीं होना चाहिए, ठीक है? इतना हो गया। देखो इसमें आपका जीरो फोर्सेस पूछता है, ठीक है? सबसे पहले आपको साइन कन्वेंशन पता होना चाहिए। अपन साइन कैसे लेते हैं? क्योंकि साइन से क्वेश्चन पूछता है, एग्जाम में आपको दे देगा, कंप्रेशन है कि टेंशन, ठीक है? क्योंकि ट्रस्ट के हर मेंबर में एक ही फोर्स आता है, आपको पता है कौन सा आता है बताओ? एक्सियल। एक्सियल, एक्सियल का नेचर क्या होता है? या तो कंप्रेशन हो सकता है या तो टेंशन, बताया था कर्व एक्सियल हो सकता है आपका ट्रस्ट, या तो क्या हो सकता है? कंप्रेशन हो सकता है या तो टेंशन। तो देखो साइन कन्वेंशन कैसे लेना, क्योंकि आप ट्रस्ट में कंफ्यूज हो गए, ठीक है? जैसे ये हो गया,
ट्रस्ट का जॉइंट है, जो ट्रस्ट जिस पर कनेक्ट रहता है, ट्रस्ट का एंड पॉइंट है दोनों, ठीक है, ये ट्रस्ट का एंड पॉइंट है। जिससे ट्रस्ट कनेक्ट रहता है, ठीक है। अब बताओ मेरे को, अच्छा इसको मैं पी ले लेता हूँ, कंफ्यूज नहीं होगे। कौन सा आपका कंप्रेशन है और कौन सा टेंशन है बताओ। देखो ट्रस्ट में एक ही फोर्स आता है, कौन सा आता है, एक्सियल। एक्सियल कैसे पहचानोगे, ट्रस्ट का देखो लेंथ एक्स डायरेक्शन पे, लोड भी एक्स डायरेक्शन पे, तो कौन सा हो गया एक्सियल। एक्सियल का डेफिनेशन बताया था आपको, लोड और लेंथ का डायरेक्शन सेम रहेगा तो उस टाइप के फोर्स को क्या बोलते हैं, एक्सियल। और ट्रस्ट में हमेशा कौन सा फोर्स आता है आपके पास, एक्सियल। और उसका नेचर दोनों हो सकता है, टेंशन भी हो सकता है और कंप्रेशन भी। अब देखो ये टेंशन है कि कंप्रेशन है, टेंशन टेंशन है। अब इसको मैं क्या कर रहा हूं, खींच रहा हूं, वो टेंशन है, टेंशन क्या हो रहा है, एक्सटेंड कर रहा हूं तो क्या हो जाएगा, टेंशन। इसको क्या कर रहा हूं मैं, कम कर रहा हूं इसका लेंथ को, कंप्रेस कर रहा हूं तो क्या हो जाएगा, ये कंप्रेशन। तो ये क्या होगा आपके पास, इसको क्या बोलोगे आप, टेंशन। इसको और क्या बोलते हैं अपन, टाई। स्टील में पड़े होगे, टेंशन का और क्या बोलते हैं, टाई। ये क्या है, ये क्या है आपका सर, उसको एक्सियल टेंशन, एक्सियल कंप्रेशन भी बोलेंगे ना। हाँ, बोल सकते हो, क्योंकि आपका नेचर कैसा है, एक्सियल है, तो आप इसको एक्सियल बोल सकते हो, एक्सियल टेंशन और एक्सियल कंप्रेशन, ठीक है। कंप्रेशन और स्ट्रेच बोलते हैं क्या, यस सर, जी सर। अब देखो आपको एक क्वेश्चन, आप मेरे को अब ये बताना, आपको ये दे रहा हूँ, मेरे को इसमें बताना आप, ठीक है। देखो तीन मेंबर है आपके पास, ए बी, बी सी और ए सी। अब बताओ कौन सा कंप्रेशन है, कौन सा टेंशन है, ए सी कंप्रेशन है सर, बाकी दोनों टेंशन। फोर्स लगा दिया हूं। अब बताओ कौन सा कंप्रेशन है और कौन सा ए सी कंप्रेशन है, बाकी दोनों कंप्रेशन है। क्या बता रहे आप, ए सी टेंशन है, बाकी दोनों कंप्रेशन है सर, यस सर, ठीक है। और आप बताओ क्या बोल रहे हो, ए बी क्या बोल रहे हो, ए बी टेबल टेंशन, एसी टेंशन, ए बी टेंशन, बाकी दोनों टेंशन, इसलिए मैं बोला आपको पक्का डाउट आएगा। अब बताओ कोई अच्छे से लाइन से बताओ आप, अभी एसी टेंशन में है, एसी क्या है, एसी टेंशन, ए बी टेंशन, ए बी टेंशन है, एसी कंप्रेशन है, और ए बी और बी से बेसिक कंप्रेशन, देखो ए बी बी सी कंप्रेशन है सर, एसी टेंशन, गलत बोले आप भी, गलत बोले मतलब इसमें ऑल लेवल, आप लोग कंप्रेशन में है सर, हां बताओ फिर से बोलो सर, ए बी टेंशन में है सर, हां नहीं, ए बी टेंशन में, ए बी टेंशन में, बीसी कंप्रेशन में, एसी कंप्रेशन और बीसी भी कंप्रेशन, बीसी टेंशन में है सर, हां ठीक है, आप सही बोले। और बताओ, अच्छा आप लोग बताओ, ए बी टेंशन में, बीसी भी टेंशन में और एसी कंप्रेशन में। अब देखो इसका सबसे इजी तरीका क्या है, अब देखो इस एरो को देखो, ये जॉइंट है, एरो एरो जॉइंट से पास आ रहा है कि दूर जा रहा है, दूर जा रहा है, पास आ रहा है, दूर जा रहा है ना, एरो दूर जा रहा है, देखो एरो, एरो का मतलब ये एरो है, ये जॉइंट से एरो किधर जा रहा है, दूर जाएगा तो टेंशन, एरो अगर जॉइंट की तरफ जाएगा तो कंप्रेशन, 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 ये जॉइंट है, एरो इससे दूर जा रहा है कि पास जा रहा है, दूर जा रहा है, इस एरो को देखो, ये दूर जा रहा है, इसका एरो इधर बना है, तो ये क्या दूर जा रहा है, तो क्या होगा, ये टेंशन, टेंशन, इसका भी एरो देखो दूर जा रहा है, तो क्या होगा, टेंशन, टेंशन, अब ये एरो को देखो जॉइंट की तरफ आ रहा है, ये भी एरो जॉइंट के तरफ आ रहा है, तो क्या हो जाएगा, ये कंप्रेशन, तो हमेशा एरो को ध्यान देना, इसलिए वहां पे लिखवाया नहीं आप लोग को, कि आप लोग पहले बताओ आपको आता है कि नहीं, ठीक है। अब क्या लिखोगे यहाँ पे, इसमें एरो कहाँ जा रहा है, देखो सिर्फ एरो को ध्यान देना, एरो टुवर्ड्स द जॉइंट, ठीक है, एरो अगर जॉइंट की तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, कंप्रेशन, और एरो क्या होगा, अवे फ्रॉम द जॉइंट, तो क्या हो जाएगा, टेंशन, सिर्फ एरो को ध्यान देना, फोर्स का जो भी फोर्स लग रहा है उसका एरो को देखो, तो कैसे इसमें क्या लिखोगे, एरो
टूवर्स नहीं होगा, अवे फ्रॉम द जॉइंट। एरो ये जॉइंट है आपका, ये क्या, देखो ये जॉइंट है, जॉइंट से एरो क्या जा रहा है, देखो दूर जा रहा है, दूर जा रहा है मतलब क्या हो गया, टेंशन, दूर जा रहा है मतलब इसको खींच रहा है जॉइंट को, जॉइंट को खींच रहा है मतलब उसको क्या कर रहा है, एक्सटेंड कर रहा है, मतलब क्या हो जाएगा, टेंशन। और जो फोर्स है, जो एरो है जो फोर्स का, ये क्या कर रहा है, उसको कंप्रेस कर रहा है। वैसे आपको यहाँ पे देखना है, ठीक है, यहाँ पे देखो ये आपका जॉइंट है, ये जॉइंट है, अब देखो ये एरो क्या हो रहा है, जॉइंट से दूर जा रहा है कि नहीं, तो क्या हो जाएगा, टेंशन। जॉइंट से देखो एरो दूर जा रहा है तो टेंशन, अभी देखो जो एरो है ये जॉइंट की तरफ आ रहा है तो ये क्या हो जाएगा, कंप्रेशन, ठीक है। अब समझ गए साइन कैसे लेना है, अब बताओ साइन में किसी को डाउट तो नहीं है, ठीक है, साइन ले लोगे, कैसे साइन लेना है, कंप्रेशन को टेंशन को, ठीक है, क्योंकि इसमें टेस्ट में एक ही फोर्स आएगा एक्सियल, और मैं सॉम में बताया था एक्सियल का नेचर क्या हो सकता है, कंप्रेशन हो सकता है और टेंशन हो सकता है, ठीक है, ये हो गया, अब तो डाउट नहीं जाएगा साइन लेने में। ये मैं सिर्फ एग्जांपल के लिए लोड लगाया हूँ, ठीक है, डब्ल्यू एस सी, आप लोग इसमें कंप्रेशन आ सकता है, टेंशन आ सकता है, निकालना पड़ेगा, ठीक है, अभी सिर्फ बताने के लिए साइन को लिया हूँ मैं, हो गया ये। अब देखो अब आपका एग्जाम में पूछता है जीरो फोर्सेस निकालने के लिए, तो उसके पास दो रूल है, एकदम ईजी है, आप लोग उस दो रूल के पास जानना है, आपसे जितना भी मेंबर में जीरो फोर्स आएगा बना लोगे, ठीक है। तो नेक्स्ट हेडिंग क्या लिखोगे आप, रूल फॉर डिटेल माइनिंग मेंबर कैरिंग जीरो फोर्सेस, ठीक है, देखिए दो रूल है, उसी से क्वेश्चन आता है, किसी को पता है क्या कैसे जीरो फोर्सेस डायरेक्ट बताओगे, देखो मेथड का आप ट्रस्ट को एनालिसिस कर सकते हैं, मेथड ऑफ जॉइंट से, मेथड ऑफ सेक्शन से, ग्राफिकल मेथड से और टेंशन कोएफिशिएंट, चार मेथड होते हैं एग्जाम में, लेकिन ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे इंपॉर्टेंट यही है शॉर्टकट वाला, कैसे पहचानोगे जीरो मेंबर, दो रूल होता है, किसी को पता है क्या क्या होता है बताओ सर, अगर जॉइंट में तीन मेंबर हो और उसमें से दो मेंबर कोलिनियर हो तो तीसरा मेंबर जीरो फोर्स होता है। हाँ ठीक है, अब पहला क्या, सबसे पहले आप सके, अब पहला क्या था, इफ, पहले लिखवा देता हूँ फिर समझा देता हूँ, ठीक है, इफ टू मेंबर्स आर मीटिंग एट अ जॉइंट, दिस टू मेंबर्स आर क्या होगा, इसका मतलब क्या होता है, डबल एल आता है क्या कोलिनियर में, दिस टू मेंबर आर नॉन कोलिनियर, अच्छा जो लिखा है इसका मीनिंग बताओ, देखो मैं क्या लिखा हूँ, अगर किसी जॉइंट में दो मेंबर आके क्या कर रहे हैं, मीट कर रहे हैं, और दोनों कैसे आपके पास नॉन कोलिनियर, तो दोनों में फोर्सेस क्या हो जाएंगे आपके पास, जीरो, लेकिन आपके पास उस जॉइंट पे कोई भी एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं होना चाहिए, देखो क्या लिखा हूँ, इफ नो एक्सटर्नल फोर्स इज एक्टिंग एट दैट जॉइंट, थ्योरी में नहीं समझ आया, देखो कैसे लिखोगे, कैसे समझोगे इसको, अगर आपके पास देखो कोई भी
क्या लिखा, कोई भी एक जॉइंट है, सपोज करो ये जॉइंट है आपका, इंटरनल ही नहीं है जॉइंट है, इसमें आपके पास दो मेंबर है, इसमें आपके पास क्या हो रहा है, दो मेंबर आपके पास क्या कर रहे हैं आके मिल, सपोज करो ट्रस का जॉइंट है, ट्रस का जॉइंट है, पिन कनेक्शन है, इसमें दो मेंबर है ये और ये, अब दोनों कैसा है, नॉन कोलिनियर। पहले कोलिनियर का मतलब बताओ क्या होता है, उसके बाद ही समझ आएगा कोलिनियर का मतलब क्या होता है, मैकेनिक्स पढ़े हो, सेम लाइन ऑफ एक्शन, कोलिनियर का मतलब, कोलिनियर फोर्सेस का मतलब क्या होता है आपके पास, सेम लाइन ऑफ जो आप जितने भी फोर्स है उसका लाइन ऑफ एक्शन क्या होना चाहिए, सेम। अब देखो दो मेंबर है, दोनों में तो फोर्स आएगा, या तो एक्सियल आएगा या तो टेंशन आएगा या तो कंप्रेशन, तो कोलिनियर का मतलब समझे पहले क्या होता है, सपोज करो आपके पास ये जॉइंट है, इसमें दो मेंबर है, दो में फोर्स आएगा, अब पता है दोनों में एक्सियल आएगा, या तो कंप्रेशन है तो टेंशन, लेकिन लेकिन इसमें देखो लाइन ऑफ एक्शन क्या है, फोर्स का सेम है, ये मेंबर हो गया, इस मेंबर का देखो कैसा है हॉरिजॉन्टल, इसका भी क्या है हॉरिजॉन्टल, सेम लाइन में, अगर एक ही लाइन में है तो क्या बोलोगे, कोलिनियर। फोर्स का देखो, फोर्स का जो लाइन ऑफ एक्शन है कहाँ पे, एक ही लाइन में है, इसको क्या बोलोगे, कोलिनियर। अगर एक लाइन में नहीं रहेगा तो उसको क्या बोलोगे आप, नॉन कोलिनियर। जैसे आपका ये हो गया, देखो ये जॉइंट है, इसमें दो मेंबर आ रहे हैं और दोनों में आपका फोर्सेस आएंगे पता है, तो देखो एक का लाइन ऑफ एक्शन क्या है, वर्टिकल, एक का क्या है हॉरिजॉन्टल, सेम लाइन में है क्या, तो उसको क्या बोलेंगे अपन, नॉन कोलिनियर। कोलिनियर मतलब फोर्स का जो लाइन ऑफ एक्शन है क्या होगा, एक ही डायरेक्शन पे होगा, उसको क्या बोलोगे आप, कोलिनियर। अलग अलग रहेगा तो क्या बोलोगे, नॉन कोलिनियर। तो देखो आपका पहला पॉइंट क्या लिखा है मैं, अगर किसी जॉइंट में दो मेंबर आपके पास क्या आ रहे हैं, मीट कर रहे हैं, और दोनों में फोर्सेस कैसा है रहेंगे आपके पास, नॉन कोलिनियर। नॉन कोलिनियर का मतलब क्या आता है, जो भी इसमें फोर्सेस आएंगे उसका लाइन ऑफ एक्शन सेम नहीं रहेगा, तो दोनों मेंबर में फोर्स आपके आपके पास क्या हो जाएगा, जीरो जीरो हो जाएगा। कंडीशन क्या है कि इस जॉइंट पे कोई भी एक्सटर्नल फोर्स क्या होगा, एक्ट नहीं करेगा, ठीक है। अब देखो दो मेंबर है, इसका इसमें फोर्स आएगा कुछ ना कुछ, इसमें भी कुछ ना कुछ आएगा, तो इसका लाइन ऑफ एक्शन देखो हॉरिजॉन्टल है, इसका क्या है, वर्टिकल है, सेम लाइन में है क्या, नहीं है, तो इसमें क्या हो जाएगा, दोनों मेंबर में फोर्सेस जीरो होगा। जीरो क्यों होगा, सपोज करो इसको मैं जॉइंट ओ दे दिया, ये ए हो गया, ये बी हो गया, तो क्या हो गया, एफ ओ बी और एफ ओ ए, दोनों क्या हो जाएगा आपके पास, जीरो, अगर नॉन कोलिनियर है। अगर कोलिनियर रहेंगे तब जीरो नहीं होंगे, ठीक है, इसका मीनिंग समझ में आया, बताओ सर, ये कोलिनियर वाला जो इधर बनाए हो आप, नहीं, हाँ। एक जो है राइट साइड जाएगा और एक लेफ्ट साइड आएगा, तो वो नॉन कोलिनियर हो जाएगा क्या? नहीं नहीं, कोलिनियर, सेम लाइन ऑफ एक्शन आपका सेम होना चाहिए, एक ही डायरेक्शन में होना चाहिए, भले वो कंप्रेशन और टेंशन हो, ठीक है, लेकिन अगर हॉरिजॉन्टल एक ही लाइन ऑफ एक्शन है तो क्या हो जाएगा, कोलिनियर, अलग अलग है तो क्या हो जाएगा, नॉन कोलिनियर। पहला रूल देखो मैं क्या लिखा है आपके पास, किसी एक जॉइंट पे दो मेंबर है और दोनों कैसा है, नॉन कोलिनियर, तो दोनों में फोर्सेस क्या हो जाएंगे आपके पास, जीरो, अगर इस जॉइंट पे कोई भी एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं करेगा, अगर एक्सटर्नल फोर्स एक्ट करेगा तब आपके पास जीरो नहीं होंगे। जैसे आपका ये देखो, इसमें जीरो होंगे और आपका देखो ये सेम है, ये आपका जॉइंट है, ठीक है, ये आपका इंटरनल हिंज नहीं है, जॉइंट है। देखो सपोज करो यहाँ पे आपका एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है 10 kN का, तब आप दोनों मेंबर में फोर्सेस जीरो नहीं होंगे, ठीक है। यहाँ पे देखो लास्ट में क्या लिखा है, इफ नो एक्सटर्नल फोर्स इज एक्टिंग एट दैट जॉइंट, इस जॉइंट पे कोई भी एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं करना चाहिए, इसमें कोई भी एक्ट कर रहा है क्या, नहीं, तो दोनों में फोर्सेस क्या हो जाएंगे, जीरो। इसमें एक्ट कर रहा है तो दोनों फोर्सेस आपके जीरो नहीं होंगे, किसी एक में हो सकते हैं नहीं भी हो सकते, लेकिन जीरो नहीं होंगे दोनों में, ठीक है। ये आपके पास कौन सा रूल हो गया, पहला। ये तो रहा दो मेंबर का, अब आपके पास तीन मेंबर का देखो, इफ सर कोलिनियर में भी दोनों मेंबर में फोर्स जीरो होंगे ना, जब दोनों से लाइन ऑफ एक्शन सेम रहेगा दोनों का, तो नहीं रहेंगे जीरो, यही तो लिखा है आपको, ये शॉर्ट, ये जो बताया हूँ यहाँ पे मैं क्या लिखा हूँ, इसको मार्क करो पहले, आप क्या लिखा हूँ मैं, नॉन कोलिनियर। नॉन कोलिनियर होगा तभी आपके पास क्या होगा, जीरो होगा, कोलिनियर अच्छा, के लिए नहीं होगा, किसके लिए जीरो होगा, नॉन कोलिनियर के लिए, ये मैं समझाने के लिए बताया कोलिनियर, ठीक है जी। और दोनों में फोर्सेस जीरो होंगे, अभी भी लिखो जब
कोई भी एक्सटर्नल फोर्स आपका उस जॉइंट पे एक्ट नहीं करेगा जी सर। ठीक है, और तीसरा क्या है, इफ इफ थ्री मेंबर्स आर मीटिंग एट ए जॉइंट, अब तीन मेंबर मिल रहे हैं, ठीक है, तीन में से दो कैसे रहेगा कोलिनियर, तो कैसे लिखोगे इसको, टू ऑफ देम आर कोलिनियर, ठीक, देन द फोर्स इन थर्ड मेंबर ऑन दिस सर, अगर लाइन ऑफ एक्शन सेम रहा तो कोलिनियर हुआ और उसका जो फोर्स के मेंबर हो गए वो जीरो हो जाएंगे। नहीं नहीं होंगे, वही तो बताया आपके पास जो कंडीशन लिखा है मैं नॉन कोलिनियर का लिखा है, अगर एक डायरेक्शन पे कोलिनियर है तो उसमें जीरो नहीं होंगे, ठीक है, नॉन कोलिनियर होगा तभी जीरो होगा। टू ऑफ के बाद क्या लिखा है, जॉइन टू ऑफ, देखो क्या लिखा है, इफ थ्री मेंबर आर मीटिंग एट ए जॉइंट, अब तीन मेंबर मिल रहे हैं, तीन में से दो क्या है, टू ऑफ देम आर कोलिनियर, तीन में से दो कैसे है सेम लाइन पे, तो थर्ड मेंबर पे फोर्स क्या होगा आपका जीरो, कंडीशन क्या, इफ नो एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग एट दैट जॉइंट, ठीक है, उस जॉइंट पे कोई भी एक्सटर्नल फोर्स आपके पास नहीं आना चाहिए। अब देखो इसको कैसे लिखोगे आप, कैसे समझोगे, देखो अब आपके पास एक जॉइंट है उसमें आपके पास आप देखो तीन मेंबर है, ये जॉइंट है इसमें तीन मेंबर है, ठीक है, इसको ओ ले लिया, ओ ए ओ बी और ओ सी, अब देखो तीन है, तीनों में आपके पास फोर्स आएगा एक्सियल, ठीक है, अभी मैं ऐसे लिख रहा हूँ डायरेक्शन को, एफ ओ ए एफ ओ सी और एफ, डायरेक्शन कुछ भी हो सकता है, कंप्रेशन टेंशन मैं जनरली ऐसे ही बता रहा हूँ, ठीक है, अब देखो इस जॉइंट पे कितना मेंबर है, तीन ओ ए ओ सी और ओ बी, देखिए तीन में से देखो दो मेंबर में जो फोर्स लग रहे हैं उनका लाइन ऑफ एक्शन क्या है सेम है, देखो ओ ए और ओ सी का लाइन ऑफ एक्शन क्या है, देखो सेम है, सेम लाइन पे है, भले कंप्रेशन और टेंशन हो, ये इधर भी हो सकता है लेकिन सेम लाइन पे है, तो दोनों क्या है कोलिनियर, और अगर तीन मेंबर किसी जॉइंट में आ रहे हैं तीन में से दो कैसा है कोलिनियर, तो थर्ड में फोर्सेस क्या हो जाएंगे आपके पास जीरो, तो ये जो थर्ड मेंबर है आपका कौन सा मेंबर है ओबी, इसमें इसमें फोर्सेस क्या हो जाएंगे जीरो, इसमें जीरो नहीं रहेगा, इसमें जीरो नहीं रहेगा, थर्ड में क्या हो जाएगा आपका जीरो, शॉर्टकट है ये, क्या हो जाएगा आपके पास जीरो, और कंडीशन क्या है, इस जॉइंट पे कोई भी एक्सटर्नल फोर्स क्या होगा, कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं आना चाहिए, ये जो जॉइंट है यहाँ पे कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगना चाहिए, तभी क्या होगा वो जीरो, अगर एक्सटर्नल फोर्स लगेगा तो जीरो नहीं होगा, ठीक है, अब जरूरी नहीं है कि जो तीसरा मेंबर है वो परपेंडिकुलर है, कैसे भी हो सकता है, बस दो तीन में से दो कैसे आना चाहिए कोलिनियर, जैसे ये हो गया, सपोज करो ये आपका मेंबर ऐसा है, ठीक है, अब देखो इस जॉइंट में कितने मेंबर हैं, तीन, तीन मेंबर में से दो का जो फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन क्या है कोलिनियर, कोलिनियर मतलब सेम लाइन में, तो तीसरा में क्या हो जाएगा जीरो, जरूरी नहीं है कि परपेंडिकुलर है, कैसे भी हो सकता है तीसरा, लेकिन हमेशा क्या होगा उसमें जीरो, कंडीशन क्या है, यहाँ पे कोई भी एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं होना चाहिए, ठीक है, यहाँ पे लिख लो, यहीं पे आप लोग कंफ्यूज नहीं हो गए, नोट करके क्या लिखो, इफ एक्सटर्नल फोर्स आर एक्टिंग उस जॉइंट पे, ठीक है, इसी का बता रहा हूं, अगर एक्सटर्नल फोर्स एक्ट करेगा तो आपका जीरो नहीं होगा, ठीक है, मान लो यहां पे
आपका एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है 10 किलोन्यूटन का। अब इस वाले केस में आपका ये जो मेंबर था एफ वो भी अब ये जीरो नहीं होगा, ठीक है। अगर एक्सटर्नल फोर्स लगेगा तब जीरो नहीं होगा, नहीं लगेगा तभी क्या होगा, वो जीरो होगा। अब ये दो रूल में आपको किसी को डाउट है क्या, बताओ। आपके पास दो रूल पड़े, दोनों में किसी को डाउट है क्या? क्योंकि तो इसी दो रूल से क्वेश्चन बनेगा आपका जो ऑब्जेक्टिव में आता है। सर एक बार इंक्लाइंड वाला बता देंगे क्या? इंक्लाइंड वाला, ये वाला जी सर। देखो आपको इंक्लाइन से मतलब नहीं, आपके पास क्या मतलब है, अगर किसी जॉइंट पे तीन मेंबर मिल रहे, तीन में से बस दो देखो कैसा है कोलिनियर। देखो कोलिनियर मतलब लाइन ऑफ एक्शन क्या है, फोर्स का सेम है, तो थर्ड में हमेशा फोर्सेस क्या होंगे, जीरो। कैसे भी हो, इंक्लाइंड हो, परपेंडिकुलर, किसी भी डायरेक्शन पे हो, थर्ड मेंबर हमेशा क्या होगा, जीरो। लेकिन उस जॉइंट में कोई भी एक्सटर्नल फोर्स आपके पास एक्ट नहीं करना चाहिए। जैसे इसमें देखो एक्ट कर रहे हैं तो ये जीरो नहीं होगा थर्ड मेंबर, ठीक है। देखो अब देखो मैं आपको एक क्वेश्चन बताता हूँ, आप मेरे को बताना उसका क्या होगा। ऐसा क्वेश्चन दे दिया सर, एक बार बैक करिए ना वो पिछला वाला स्लाइड को। हो गया सर। मेरे को बताओ मेंबर बीडी में कितना फोर्स आएगा, आपको पूछेगा फोर्स बताओ बीडी में कितना आएगा, जीरो आएगा, जीरो आएगा, जीरो, जीरो। क्यों नहीं होगा जीरो बताओ। अरे ये तो फोर्स लग रहा है सर, बीडी में एक आएगा सर, 10 किलोन्यूटन पे एक्सटर्नल फोर्स, फोर्स तो एक आ रहा है ना सर 10 किलोन्यूटन ऊपर से एक्सटर्नल फोर्स आ रहा है तो ये कोलिनियर हो जाएगा ना सर। जीरो होगा कि नहीं होगा ये बता पहले, जीरो होगा नहीं होगा, नहीं होगा डी बीम जीरो होगा, डी बू डी बीम जीरो होगा सर, क्योंकि एक्स्ट्रा आ रहा है सर, नहीं होगा ये जीरो। आपको बीडीम पूछा सर, एबीबीसी कोलिनियर है सर, अब बीडी नहीं है, ऊपर चॉइस है बी को देखो, अब बी को देखो जीरो आएगा सर, बी पे जीरो आएगा, बी से देखेंगे तो जीरो आएगा। अब मैं बीडी का बात कर रहा हूं, मेंबर बीडी, अब जॉइंट बी में आओ, इस जॉइंट बी में आओ कितना मेंबर है, तीन, तीन मेंबर, तीन में से दो कैसा है तो तीसरा में फोर्सेस क्या हो जाएंगे, जीरो, जीरो हो जाएगा। ऊपर लगा डी में लगा है ना, आपको उससे मतलब ही नहीं, आपको मैं शॉर्टकट क्या बताऊं जॉइंट का। अब बी जॉइंट देखो यहाँ पे कितने मेंबर है, तीन, ए बी, बी सी और सी डी, तीन में से देखो दो का मेंबर, दो का लाइन ऑफ एक्शन क्या है सेम, ये मेंबर में फोर्सेस तो आएंगे ना एक्सियल, तो दो का लाइन ऑफ एक्शन क्या है आपका सेम है, तो तीसरा में हमेशा फोर्स क्या होगा आपके पास जीरो, जीरो। हमेशा याद रखना दोनों में क्या होगा जीरो, उसे तो वहां पर से वो मेंबर देने कोई मतलब नहीं सर। सर तो फिर डी को नहीं देखेंगे हम लोग, बी वाले मेंबर को देखेंगे सर, वो बी डी बी डी मेंबर देने, ठीक है, बी डी मेंबर देने का कोई मतलब नहीं सर, अगर बी में जीरो आ रहा है तो फोर्सेस, हां ये आपको वहां से भी निकालोगे तो आपका जीरो ही आएगा, ठीक है, ये आपका शॉर्टकट है। अगर आप मेथड ऑफ जॉइंट यूज करोगे, मेथड ऑफ जॉइंट यूज करके बनाना, आपका बीडी में हमेशा क्या आएगा जीरो ही आएगा, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूट हो जा रहा ना इसलिए, हाँ क्योंकि उसमें तीन मेंबर है, जो 10 किलोन्यूटन का लोड लग रहा है वो आपका देखना एडी और बीडी में सेम आएगा, एडी और सीडी में सेम आएगा, सेम क्यों आएगा क्योंकि उसमें ठीक है इसमें और इसमें सेम आएगा, ठीक है, ये आपका शॉर्टकट है। अपन मेथड ऑफ जॉइंट जब पढ़ोगे तो उसमें से आप हर जॉइंट में, मेथड ऑफ जॉइंट में क्या करते हैं अपन सभी जॉइंट को लेते हैं, फिर वहां पे क्या करते हैं फोर्सेस को फाइंड आउट करते हैं,
सभी जॉइंट में कितना इक्विलिब्रियम इक्वेशन होता है? दो। समेशन ऑफ एफएक्स एफवाई दोनों को यूज करके क्या निकालते हैं अपन? फोर्सेस निकालते हैं। लेकिन ये आपका शॉर्टकट है, वहां से भी निकालोगे तो इसमें आपका जीरो ही आएगा, ठीक है? अच्छा आप मेरे को बताना सर, एक बार और बताइए निशि को। एक सेकंड सर, वहां पर बीडी मेंबर पे फोर्स जीरो हो रहा है तो वहां मेंबर नहीं देंगे क्या? वो क्या बोल रहे बताओ आप? उसमें फोर्सेस जीरो आ रहे हैं, ठीक है? उस मेंबर का आपके पास जरूरत नहीं है क्योंकि कुछ रजिस्ट्री नहीं करेगा, ठीक है? हाँ सर, वही पूछ रहा था। उसको हटा देंगे ना सर, इकोनॉमिकल के लिए। हाँ, क्योंकि उसमें आपका कोई भी फोर्स रजिस्ट कर ही नहीं रहा, ठीक है? तो उसको अपन हटा देंगे। अब ये देखो, सेम क्वेश्चन है, आप बताओ फोर्सेस आपका एफबीटीएम कितना आएगा? 10 किलो न्यूटन टेंशन आएगा। 10 किलो न्यूटन टेंशन? हां, जीरो तो नहीं होगा। आपके पास थर्ड रूल क्या पढ़े हो? किसी जॉइंट में अगर तीन मेंबर हैं, तीन में से दो कैसा है? कोलिनियर। थर्ड में फोर्सेस क्या होंगे? जीरो। लेकिन कोई भी एक्सटर्नल लोड नहीं एक्ट होना चाहिए, इसमें नहीं था, जीरो हो गया। इसमें है तो कितना हो जाएगा? जीरो नहीं होगा, वो कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। 10 हो, जब आप पहले जॉइंट से पढ़ोगे, शॉर्टकट क्या होता है इसका? सिंपल, जॉइंट इसको लोगे, आप क्या करो, जॉइंट बी को अगर लोगे तो देखो तीन में इसमें कितना है, ये और ये 10। जब यहाँ पे समेशन आप एफआई इक्वल टू जीरो करोगे तो ये 10 नीचे आ रहा है, तो इसको एज्यूम करो इसमें फोर्स ऊपर जा रहा है, तभी तो रजिस्ट करेगा ना। ये हो गया बी डी, तो एफ बी डी इक्वल टू क्या हो जाएगा? 10। अभी मैं तो जॉइंट पढ़ेंगे अपन, बता रहा हूँ जॉइंट बी को लोगे तो बी का फ्री बॉडी डायग्राम कैसे बनेगा? एक फोर्सेस यहाँ पे आएंगे, पता नहीं कैसा होगा, एक इधर आएगा, ये भी नहीं पता है। लेकिन आपको पता है समेशन ऑफ एफआई लगाओगे तो सिर्फ वाई का देखना है। देखो 10 किलो न्यूटन के ये नीचे जा रहा है तो उसको रजिस्ट करने के लिए इसमें कैसा लगेगा? ऊपर। जब समेशन ऑफ एफआई करोगे तो उसको ऊपर एज्यूम करना। एज्यूम करने का तरीका बता रहा हूँ, लोड कैसा लग रहा है नीचे, तो इसमें एक ही मेंबर है वर्टिकल, तो एक ही पूरा फोर्स क्या ले लेगा? ये बीडी ले लेगा, तो कितना लेगा? 10। अब बताओ ये 10 जो ऊपर जाएगा एरो, अब ये कंप्रेशन होगा बीडी में कि टेंशन होगा, ये बताओ? टेंशन होगा सर, अवे फ्रॉम जॉइंट। कंप्रेशन, टेंशन होगा सर, टेंशन होगा सर। क्या होगा? टेंशन। 10 किलो न्यूटन क्या होगा? टेंशन होगा, क्योंकि जॉइंट को देखो क्या कर रहा है, जॉइंट है, इस एरो कहां जा रहा है? दूर जा रहा है ना, अवे फ्रॉम द जॉइंट, तो क्या हो जाएगा? टेंशन। जीरो वाले में नीचे वाला भी टेंशन होगा सर, वो तो एक्सटर्नल फोर्स है, उसका तो नहीं पूछेगा आपसे, आपसे जो मेंबर है इंटरनल उसमें पूछेगा कंप्रेशन टेंशन, ठीक है? आप बताइए दोनों में कंपेयर करके आप समझ आए कि नहीं? आ गया सर, आ गया सर। हाँ, आ गया ना। अब मैं आपको क्वेश्चन भेजता हूँ, आप मेरे को बताना, ठीक है? अच्छा एक क्वेश्चन मैं बनाता हूँ, आप मेरे को बताना कितना मेंबर में जीरो फोर्स है। सर इसमें माइनस प्लस कैसे लेंगे आप? माइनस मतलब टेंशन मतलब क्या लोगे आप, प्लस कंप्रेशन को क्या लोगे आप? माइनस, ठीक है? एग्जाम में आपको कंप्रेशन टेंशन लिख के ही देगा। सर टेंशन कंप्रेशन जिस मेंबर पे है उसी में देखेंगे क्या? हाँ, जिस मेंबर का आपके एग्जाम में पूछा है आपको उसी का मेंबर का कंप्रेशन और टेंशन देखना है, ठीक है? आपको क्वेश्चन कराता हूँ, आपको क्लियर हो जाएगा डाउट। देखो अभी क्वेश्चन भेजा हूँ, एक सेकेंड ना। सर बैक करिएगा। सर जैसे पहले वाले में सर बी जॉइंट के पास जा रहा है एरो, तो उसमें फिर कैसे करेंगे? क्या बोल रहे हो, एरो कहाँ पे आ रहा है? सर फर्स्ट वाले में, फर्स्ट वाले में देखिए।
इसमें जो एरो है वो बी के बी ज्वाइंट के पास जा रहा है, तो इसको क्या लेंगे? ये आपका ए बी मेंबर हो गया। मैं तो ऐसे ही बताऊं कि आपको ऐसे लगेगा, मान लो ये एरो जा रहा है, ये क्या हो रहा है देखो, बी के पास जा रहा है, तो जो ए बी मेंबर होगा आपका वो क्या हो जाएगा, कंप्रेशन हो जाएगा। ठीक है, ये ए बी मेंबर है, ए बी का जा रहा है तो क्या हो जाएगा, कंप्रेशन। तो इसमें ऐसे जा रहा है तो यहाँ पे कैसे दिखा होगा, ऐसा। ठीक है, एरो आपका जॉइन की तरफ जाएगा, तो ए बी मेंबर में कैसे आ जाएगा, कंप्रेशन। ठीक है, सबसे पहले मेरे को आप लोग बताओ क्वेश्चन नंबर 228 228 छोड़ो पहले, हाँ 228 बताओ, इसमें आपका क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 228 बताओ, बहुत बड़ा है ना ये, कहाँ गया कुछ, 228 बताओ, शॉर्टकट से ही बनेगा वो, जो रूल बताए हो ना उसी में बनेगा वो। ऐसा है, एक ही बार में बड़ा क्वेश्चन मिल गया क्या आपको, बन जाएगा लेकिन ही? देखो एक क्वेश्चन बना लोगे ना आप तो आपको इसमें डाउट नहीं आएगा जीरो को कैसे लेना, इसलिए बड़ा क्वेश्चन को मैं लेके आया। बताओ सर, बताओ, सब कुछ ट्राई करो, मैं तब तक क्वेश्चन बना लेता हूँ। सर 13 लग रहा है, 13 13 आ रहा है, कितना आ रहा है बताओ सबको, कौन कौन सा मेंबर जीरो हो रहा है वो भी बता दो। 13 सर क्वेश्चन नंबर कौन, 228 देखो बनाया 13 सर, एक बता रहे सर नाम लिख के, डायग्राम सही बना है क्या ये गलत है? सही है सर, ये ना एक पॉइंट का गलत है सर, एक हल्का सा गलत है वो। अब सही है, यस सर। और कहाँ पे लगा हुआ है, यहाँ पे दो ही जगह लगा है ना फोर्स, बताओ कितना आंसर आएगा, 11। हाँ सर 11, 11 11 आ रहा, 11 आ रहा सर, 11 11 ठीक है। अब बताओ कैसे काउंट करोगे, कहीं से भी चालू करो आपका आ जाएगा, बताओ कितना 11 सबका आ रहा है, आप लोग का सबका आ रहा है? नहीं है। नहीं, अब देखो आपको जो रूल बताया उन्होंने, पहले जॉइन बी में आओ, ठीक है, उधर से भी जा सकते हो आप, इधर से देखो बी में आओ, ये जो जॉइंट है बी, कितना मेंबर मिल रहा है देखो, तीन में से दो कैसा है, कोलिनियर कोलिनियर, तो ये क्या हो जाएगा, जीरो जीरो होगा,
ये जीरो हो गया, अब इसका कोई काम नहीं, अब लिखते जाना कितना जीरो हुआ। मेंबर बीए नाम दे दोगे तो इजी पड़ेगा, बीए क्या, बीए क्या हो गया जीरो, तो इस मेंबर में कोई काम नहीं। सर दिख नहीं रहा। सर इस तरफ लिखिए ना सर, ड्राइंग के इस तरफ। अब दिख रहा है? यस सर। ये जीरो हो गया तो इसको मैं हटा दे रहा हूँ, ठीक है, कोई काम नहीं, जीरो हो गया। अब आप ए पे आओ, ए जॉइंट में कितने मेंबर हैं? तीन मेंबर। तीन मेंबर तो कैसा है? कोलिनियर। कोलिनियर तो थर्ड में क्या हो जाएगा? फोर्थ से जीरो, तो ये क्या हो जाएगा? जीरो। एक क्या हो गया? एसी। ठीक है, अब आप आ जाओ यहाँ पे, इसका नाम दे दो, इसका नाम नहीं लिखा है कुछ, क्या नाम दोगे? एच दे दो, ठीक है, एच दे दो। एच है सर, पी क्यू दे दो सर। इसको आई दे दो। अब आप आई जॉइंट में जाओ, अब आई में देखो तीन मेंबर है, तीन में से दो का कैसा है? सेम है, सेम लाइन है, तो ये क्या हो जाएगा? जीरो। तो आई जे, आई जे क्या हो जाएगा आपका? जीरो। अब सर वहाँ पे क्या दिख रहे हैं? दिख नहीं रहा है वो सर, समर्पण का लोगो लग रहा है तो। अरे यहाँ नहीं दिख रहा, यहाँ समझ आ रहा है जो बता रहा हूँ। आई जे, आई जे क्या हो गया? मैं क्या बोले, मेंबर में कितना जीरो आ रहा है वो लिख रहा हूँ, ठीक है, मेंबर में कितना आपका जीरो फोर्सेस आ रहा वो लिख रहा हूँ। अब देखो जे जॉइन को देखो, जे में कितने मेंबर हैं? तीन। तीन मेंबर, तीन में से दो कैसा है? देखो सेम है, तो ये क्या हो जाएगा? जीरो। तो ये मैं जीरो लिख रहा हूँ, सीजे, ये जीरो हो गया, इसको आप हटा दो। अब देखो सी जॉइन को देखो, फिर कितने मेंबर हैं? तीन। तीन में से दो कैसा है आपका? सेम लाइन में, तो ये क्या हो जाएगा? इसका नाम दे दो। CQ जीरो हो जाएगा सर। K सर, CQ होगा ना सर वो। तो हाँ, CQ क्या हो जाएगा? जीरो। तो इसको हटा दो आप, आपको इजी पड़ेगा, ठीक है। कितना मेंबर आ गए? पांच जीरो हो गए। आप यहाँ पे H पे आओ, कितने मेंबर हैं? तीन। सर CQ में तो लग रही है, ऊपर को वो ले लो, ठीक है, क्यों नीचे में तो क्यों, क्यों के पास में क्या बोल रहा, क्यों में तो लग रहा है ना नीचे, क्यों में तो लोड लगा हुआ है ना, तो इसमें आपका देखो एक्सटर्नल लोड है तो आप नहीं बता सकते अभी, अभी नहीं बता सकते। अब देखो जे को देखो, तीन मेंबर है, तो तीन में से दो कैसा है? सेम, तो ये क्या हो जाएगा? जीरो। जीरो हो जाएगा। इसको मैं नाम ऊपर को ओ दिया हूं, ठीक है, तो OH क्या हो गया? जीरो। अब आप एप में आओ, एफ में तीन मेंबर है, तीन में से दो कैसा है? कोलिनियर, तो ये एफ जी क्या हो जाएगा? जीरो। एफ जी क्या हो गया? जीरो। अब आप जी पे आओ, जी पे कितना मेंबर है? तीन, दो कैसा है? कोलिनियर, ये जीरो हो जाएगा, तो इजी क्या हो जाएगा? जीरो। अब देखो डी में बता सकते हो क्या? शॉर्टकट से नहीं बता सकते, दो क्योंकि चार मेंबर है, एक दो तीन चार, नहीं बता सकते। अब आपको पता है यहाँ पे कोई ना कोई रिएक्शन आएगा वर्टिकल, और यहाँ पे दो आएगा। सर एक बार बैक करिए थोड़ा सा, दो बार रिफ्रेश, दो बार बैक, बैक करो, क्यों? इजी वाला, इजी वाला। वो बैक नहीं हुआ, डिलीट हो गया वो, उसको डिलीट किया हूँ। हाँ सर, इजी, इजी वाला आपको बताइए सर, इजी कैसे हटाऊं? जी जॉइन को देखो, कितना मेंबर है? दो मेंबर, एक पर पेंडिकुलर आ रहा है, तीन है ना? हाँ सर, हो गया, एक ये, हो गया सर, तो ये क्या हो जाएगा? जीरो। अब देखो ई को देख के बता सकते हो क्या? नहीं बता सकते, क्यों? कितना मेंबर है? चार। आप कैसे बताओ कि बताओ आगे का? आप लोग 11 बताए ना, बताओ क्या क्या जीरो की हो?
कौन कौन 11 बोला है, 11 बताया था, क्या क्या जीरो क्यों बताओ, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं कौन कौन सा जीरो क्यों, तुक्का मारे हो क्या आप लोग, हाँ तो बताओ नाम बताओ नाम, ठीक है ना, जीरो क्यों हो गया ना मेंबर को, इधर का तो जीरो कर लिए, इसके अलावा जो जीरो किया वो बताओ, ये तो मैं जीरो लिख दिया कहाँ पे, ये के बाजू में, हाँ ठीक है मैं इसको नाम दे देता हूँ, क्यू तक आ गया था, आई तक आ गया था, आई के बाद क्या आता है, जे भी आ गया था, के ले लो जी, हाँ अब बताओ क्या क्या जीरो किया हो, नाम बताओ, आप लोग देख रहे हो तुक्का मारते हो सही में बनाते हो, अब बताओ कौन सा मेंबर है, हाँ क्या बोल रहे हो, हाँ के ई, और बताते जाओ, इजी तो मैं लिख लिया हूँ, अच्छा इजी तो लिख लिया था यहाँ पे, इजी लिख लिया था, और बताओ, हाँ और सर डी ई होगा ना, हाँ डी ई जी दो लिखो, और यहाँ पे कैसे चार मेंबर है, तो कितने हुए, तीन चार पांच छह सात आठ नौ दस, और एक तो कौन सा बता रहे सर, डीओ डीओ पीके भी होगा क्या, क्या पीके, क्या भूल गया, अच्छा एफसी भूल गया क्या, कहाँ पे एफ, कहाँ पे ये एफसी, एफसी सर चार मेंबर वाले में कोई इफेक्ट नहीं होगा ना, के ही नहीं होगा सर, के ही को कैसे जीरो किया, वो तो लिखा है के ही को जीरो कैसे किया, आठ ही हो रहा है सर, के ई को जीरो कैसे किया, इसको मैं तो चार मेंबर है सर, नहीं नहीं मैं ये पूछा ये जो मेंबर है ना इसका जीरो कैसे किया सर, एफ जी होगा सर, एफ जी वाला, के ही नहीं होगा, वहां चार मेंबर, क्या बोलो एफ जी, एफ जी कैसे जीरो का चार मेंबर है ना सर, डीओ को ले लेंगे ऑलरेडी तो सर, हम के क्यों लेंगे, तीन मेंबर, अब के पे देखो कितने मेंबर है, चार, ई में भी चार है, तो कैसे जीरो होगा, वो जीरो नहीं होगा, ठीक है सर, एफ जी, एफ टू जी, नहीं नहीं आपका अगर एक मेंबर में तीन मेंबर में अगर दो फोर्स है सर, तो एक लाइन है सर, उस हिसाब से जे में भी गड़बड़ होगा सर, उस हिसाब से जे में भी गड़बड़ होगा, एक और आएगा आपके पास, इस जॉइंट में भी इतना ही होगा सर, ये तो चारों में फोर्स आएंगे ना, तो जीरो कैसे कर दोगे आप, हाँ हाँ सर, जे वाले पॉइंट भी देखिए नहीं बार, हाँ हाँ भी तो नहीं होगा क्या सर, डी अब जब ये जॉइन को लोगे सपोज को इसका नाम दे दो, के बाद क्या आता है, के बाद क्या आता है, एल, स्पेलिंग में तो एल आता है, ठीक है, के ही आएगा सर, डीओ नहीं आएगा, डीओ इसमें कितना मेंबर है, तीन, लेकिन एक फोर्स भी तो है, तो इसको कैसे जीरो करोगे आप, तो वो भी जीरो नहीं होगा, और बताओ क्या जीरो हो रहा है, ईडी भी नहीं होगा सर, ईडी कहाँ है ईडी, अच्छा ये हाँ, आप ईडी को जीरो क्यों कर दिए, ये भी तो जीरो नहीं होगा, हाँ अरे आप ओडी को जीरो क्यों कर दिए, ओडी भी जीरो नहीं होगा, कैसे जीरो होगा, आठ ही आएगा सर, ओडी क्यों जीरो होगा, देखो सर, सर सर एक डाउट है, जो जे पॉइंट जो लिए हैं वहां भी तो एकदम एज इट इज के जैसा पॉइंट जैसा होगा ना, सेम चार मेंबर होंगे उसमें भी तो, हाँ तो के में कहां जीरो किया, मैं जीरो नहीं किया हूं मैं, ये तो इनको बताया करके नहीं, 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 नहीं जे कह रहा हूं सर, पॉइंट जे कह रहा हूं, पॉइंट जे, हाँ, जे यहां बताओ, जो पहले एलिमिनेट हो गया सर, तो सर वहां भी तो चार मेंबर थे ना सर, आई जे था ना सर, तो जीरो किए थे पहले, आई जे जीरो हो गया था, देखो ये जो जे में चार मेंबर थे ना, तो वो जो जीरो हो गया तो हटा दिया, ठीक है, तो आंसर क्या होगा इसका, एट होगा सर, क्लियर नहीं हुआ, बताइए इसको, हाँ वो सर, वो सी के साथ भी कनेक्ट था क्या, अब
देखो आपका मैं डाउट आपको समझ में आ गया डाउट क्या है। अब देखो के ज्वाइन को देख, अब मैं आपका डाउट समझ में आ गया। अब देखो आप लोग का डाउट, एक के ज्वाइंट है, कितना मेंबर है, 1 2 3 4 चारों में से कोई भी जीरो है क्या? लेकिन यहाँ पे जीरो हो रहा था एक मेंबर, जैसे यहाँ पे ये शायद जीरो हो रहा था। देखो मैं बता रहा हूँ, अभी मैं हटा रहा हूँ, ठीक है, ये जीरो हो रहा था, उसको हटाया तब ये कितना बन गया, तीन, तीन बन गया, दो कोली नहीं रहे तो ये क्या हो जाएगा, जीरो। तब मैं इसको जीरो किया था, वहां पे वो सब हट रहा था, यहाँ पे नहीं हट रहा आपका, तो यहाँ पे आपका जीरो नहीं होगा, ठीक है, यहाँ पे आपका जीरो नहीं होगा क्योंकि चार मेंबर है। यहाँ पे क्या हो रहा था, ये मेंबर जीरो हो जा रहा था, इस वजह से कितना बच रहा था, तीन, फिर ये जीरो हो जा रहा था, तीन के कारण ये जीरो हो रहा था, ठीक है सर। वो हटने के बाद उस मेंबर को नहीं देखना है। हाँ, जिस मेंबर में जीरो फोर्सेस आ गया मतलब उसमें कोई फोर्स ही नहीं है, तो सपोज कि उसमें चार मेंबर है, चार में एक मेंबर के पास जीरो हो गया, तो कितना मेंबर बचे, तीन। अगर उस तीन में से दो कोली नहीं रहे तो चौथा क्या हो जाएगा, तीसरा क्या हो जाएगा, जीरो। तो इसका आंसर क्या होगा आपके पास, नहीं सर, सर एट होगा सर, डाउट ये है कि दोनों साइड को सर, हाँ ना, डाउट क्या बताओ, हेलो सर, हाँ सर, दोनों साइड तो ड्राइंग सेम था सर, तो फिर डिफरेंस क्या है सर, ये यहाँ पे पॉइंट लगा है, डिफरेंस क्या है, देखो दोनों का डिफरेंस बस क्या है, यहाँ पे आपका इस एक्सटर्नल फोर्स की वजह से जीरो नहीं हुआ। सपोज करो आपका ये एक्सटर्नल फोर्स जो लगा, इस वजह से आपका क्या हुआ, यहाँ पे जो जीरो हुआ है यहाँ पे नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पे क्या लगा है, एक्सटर्नल फोर्स। अगर मैं उस फोर्स को हटा दूं, ये देखो, ये अब देखना, ठीक है, अब ये फोर्स को हटा दिया, अब जॉइंट एल को देखो कितना मेंबर है, तीन, तीन में से दो कैसा है, कोलिनियर, तो ये क्या हो जाएगा, के एल क्या हो जाएगा, जीरो। अभी हट गया, देखो के एल हटा, अब क्या बचा, के जॉइंट देखो कितना मेंबर है, तीन, तीन में से दो कैसा है, कोलिनियर, तो ये के ई क्या हो जाएगा, जीरो। अब ई जॉइंट को देखो कितना मेंबर है, तीन, तीन में से दो कोलिनियर है, तो ये भी क्या हो जाएगा, जीरो, ठीक है। उस एक्सटर्नल लोड की वजह से बस आपका क्या हुआ, इस एक्सटर्नल लोड की वजह से ये जीरो नहीं हुआ, ठीक है, यहाँ पे नहीं दिया था इसलिए yes, जीरो हो गया। तो कितना होगा आपके पास, सिर्फ एट होगा, यस सर, क्लियर हो गया सर, ठीक है, आप क्लियर हो गया ना, क्या होगा आपके पास आंसर, एट, इलेवन नहीं आएगा, yeah. सर कौन कौन सा होगा एक बार फिर से बताइए ना, मतलब ये देखो यहाँ वैल्यू को खाली बताइए, ये लिखो, ये लिखा हूँ पढ़ो, बी ए ए सी आई जे सी जी सी क्यू ओ एच ई जी और एफ सी, ठीक है सर, जिसको जीरो करते जाएंगे उसको कंसीडर नहीं करते जाएंगे ना, मतलब क्योंकि जीरो हो जाएगा, उसको रिमूव करते जाना, ठीक है, उसको आप लेना ही मत, फिर तो आपको इजी पड़ेगा बनाना, ठीक है, समझ में आया। वहां पे क्यों जीरो नहीं हुआ ये, क्योंकि वहां पे क्या रहा था, पॉइंट लोड, उसकी वजह से दोनों में क्या आता है, रिएक्शन आता है, जीरो नहीं होता, ठीक है। अब मेरे को जिसको बन गया वो क्वेश्चन नंबर 232 बताओ, ये बनाओगे तो क्लियर हो जाएगा, ठीक है, इसको बनाने क्लियर हो जाएगा। ये देखो ये मेंबर जीरो है, घर में जाना है इसको, इसको प्रैक्टिस करना, नहीं समझ में आएगा तो कल मेरे से पूछना, इसको लिख लो क्या क्या जीरो सर, के ई को एक बार और बता देंगे क्या सर, के ई वाला को, उसी में आ रहा है डाउट, थ्योरी में कहां पे डाउट आ रहा है बताओ, के ई में सर, के ई, के ई में ये तो जीरो होगा ही नहीं ना, क्योंकि यहां पे एक्सटर्नल, ये तो मैं आपको समझाने के लिए बताया ना, ये थोड़ी जीरो होगा, ये भी जीरो नहीं होगा, ये भी जीरो नहीं होगा और ये भी जीरो नहीं होगा, ठीक है, क्यों जीरो नहीं होगा, क्योंकि यहां पे क्या लगा हुआ है, पी क्या लगा हुआ है, एक्सटर्नल फोर्स, तो ये तीनों जीरो नहीं होगा, ये आठ मेंबर जीरो होंगे जो इधर लिखा हूं, ठीक है। देखो दो ही रूल याद रखना है, दो मेंबर है कनेक्ट है, दोनों में अगर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं है और दोनों आपके पास नॉन कोलिनियर है तो क्या हो जाएगा, जीरो। अगर तीन मेंबर है, तीन में से दो कैसा है, कोलिनियर है, तो तीसरा क्या हो जाएगा, जीरो, और जो जीरो होगा उसको हटाते जाना, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 232 देखो, उसको बताओ, कैंटिलीवर दिया है, दोनों आपका हिंज ही होगा, ठीक है, दोनों आपका हिंज सपोर्ट होगा, ये कैंटिलीवर दिया है। अब देखो इसका बताओ, सिक्स आ रहा है, सबका सिक्स आ रहा है, सबका आ रहा है मतलब सही होगा, यस सर, लेकिन इसके पहले क्वेश्चन में सबके 11 भी तो आ रहा था, तो वो 11 कहां से हुआ, 8 हुआ ना, अब समझ में आ गया, अब बताओ इसका, अभी सही बनाए होंगे आप लोग, अब
समझ में आ गया, आप सही बनाए होगे, बताओ कितना आ रहा है? 6 आ रहा है। ठीक है, समझ में आ गया ना कैसे आएगा? ठीक है, ये क्वेश्चन हां ठीक है, ये कैंचिली है आपका, हिंज पूरा हिंज होगा, हिंज में कनेक्ट। ठीक है, ये क्या होगा? ये तो है का चाहिए में दिन भर कुछ नहीं दिखा तो मेरे लिए सर किसी को माइक ऑन नंबर वहां निकल के देखो ना किसका नाम आप लोग बताओ कि उसको बुम बना करो। नहीं मिला पूजा, पूजा माइक म्यूट। सर बैक करिए तो बैक करो ये वाला, इसका नाम भी लिख लो ना, ये अलग से जो नाम लिखा हुआ है तभी आपको समझ में आएगा, ये जो छूट गया उसमें नहीं दिया क्वेश्चन में। हो गया, चलो अब बताते जाओ। ठीक है, अब कहां से चालू करोगे, आपको समझ में आ रहा है? कहां से चालू करोगे? ए से। ठीक है, ए पॉइंट देखो, ए में जब देखोगे तो कितना फोर्सेस आ रहे हैं? तीन, एक एक्सटर्नल फोर्स है, एक ये है, एक ये है, इसमें भी कुछ ना कुछ फोर्स आएगा, इधर पी जा रहा है तो इधर भी कुछ फोर्स आएगा, तो इस जॉइंट में कितना फोर्स आएंगे? तीन, एक एक्सटर्नल फोर्स, एक ये और एक ये, तीन जॉइंट में तीन फोर्स आ रहे हैं, तीन में से दो कैसा है? कोलिनियर, तो ये क्या हो जाएगा? जीरो। अब बी जॉइंट में आओ सर, बट उसमें फोर्स लगा तो जीरो क्या होगा? तो क्यों जीरो होगा सर? अब मैं उसमें क्या बताया था, लाइन ऑफ एक्शन आपका, इस जॉइंट पे अगर तीन मेंबर है तो तीन मेंबर में तीनों फोर्स आ रहा था। अब सपोज करिए आपका एक्सटर्नल फोर्स है 10, तो क्या होगा? इसमें भी कुछ ना कुछ फोर्स आएगा, तो तीन दो एक जॉइंट में तीन दो दो फोर्स का कैसा है? कोलिनियर। तीसरे में फोर्सेस क्या हो जाएंगे? जीरो। तो इसमें एक्सटर्नल फोर्स पी आ रहा है, तो पी आपका इसमें भी तो आएगा सेम, तो इस जॉइंट पे देखो दो पी का लाइन ऑफ एक्शन क्या है? कोलिनियर है, तो तीसरे मेंबर में जो फोर्स आएगा क्या हो जाएगा? वो जीरो। ठीक है, समझ में आया? अगर एक्सटर्नल फोर्स नहीं देता तो ये दोनों जीरो हो जाता। ठीक है, आपको फोर्स का देखना है, इस जॉइंट में कितने फोर्स आ रहे हैं? तीन, तीन में से दो फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन क्या है? सेम, तीसरे में क्या हो जाएगा? जीरो। अब बी जॉइंट में आओ, बी में आओगे तो देखो तीन मेंबर है तो तीन में तीन फोर्स आएगा, बी सी, बी ए और बी आई, लेकिन ये दोनों कैसा है? सेम लाइन में है, कुछ ना कुछ फोर्स आएगा इसमें, तो ये क्या हो जाएगा? जीरो। अब देखो आई में आओ, आई में टोटल कितने मेंबर थे? एक दो तीन चार, चार थे, चार में से दो कैसा हो गया? जीरो। दो जीरो हो गया ना, जीरो हो गया, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे? जीरो। जीरो क्यों होंगे? क्योंकि आपके पास ये बचा और ये बचा, ये देखो ये H हो गया, ये I हो गया, ये क्या हो गया? हाँ तो ज्यादा ही आएगा ना, तुम समझ में आया ये दोनों जीरो क्यों हुआ? समझ में आया? हाँ बता रहा हूँ। नहीं सर, नहीं आया, नहीं आया सर, एक मेंबर पहले एलिमिनेट हो गया इसलिए हुआ ना सर। हाँ वो एलिमिनेट हो रहा है मेंबर, उसमें फोर्सेस नहीं सर, वो रिमूव करते जाइए ना, इजी पड़ता है। रिमूव करते जाऊं क्या? रूल वन के हिसाब से। यस सर, यस सर। हाँ ठीक है, यस सर। नहीं तो आपको देखना, देखो नॉर्मल क्या है, पहले जॉइंट ए को देखो कितने फोर्सेस आ रहे हैं? तीन, तीन में से ये दो कैसा है? सेम, ये जीरो हुआ। अब देखो बी में आओ, बी में तीन है, ये जीरो हुआ। अब आई, आप जॉइंट आई को देखो, मैं अलग से बता दे रहा हूँ, आपको डाउट नहीं आएगा, ये आई जॉइंट है, आई में एक मेंबर है आई एच, आई सी और क्या था ये आई बी, आई ए। अब देखो इस जॉइंट पे ये दोनों कैसा हो गया? जीरो हो गया। आपका ये कैसा हो गया? जीरो। ये क्या हो गया? जीरो। अब आपका आई जॉइंट में कितना मेंबर है? दो, दो ही बचा ना, दो फोर्स बचा, और दोनों का जो लाइन ऑफ एक्शन है फोर्स से कैसा है? सेम है क्या? एक लाइन में है क्या? कोई भी एक्सटर्नल फोर्स इसमें है क्या? तो दोनों क्या हो जाएगा? जीरो। रूल नंबर फर्स्ट क्या पढ़ा है? किसी जॉइंट में अगर दो मेंबर है दोनों कैसा है? नॉन कोलिनियर।
तो दोनों फोर्सेस क्या हो जाएंगे, जीरो। इसलिए मैं दोनों को क्या किया, जीरो किया। अब सी जॉइंट में आओ, सी में आओ, सी में कितने मेंबर हैं, चार, चार है, लेकिन एक क्या हो गया, जीरो। कितने बचे, तीन। अब तीन जो बचे उसमें से देखो दो फोर्स कैसा है, कोलिनियर, तो ये क्या हो जाएगा, जीरो। अब एच पे आओ, एच पे कितने मेंबर है, तीन मेंबर, चार, दो मेंबर बचे, चार, चार है, चार में से ये दो क्या हो गया, जीरो, जीरो, एक सेकेंड, चार। अब देखो ये चार में से दो मेंबर कैसा है, नॉन कोलिनियर, तो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, दोनों क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, जीरो। फिर आप डी में आओ, डी में चार मेंबर है, चार में से एक तो जीरो हो गया, कितने बचे, तीन, तीन में से ये दो क्या है, कोलिनियर, ये क्या हो गया, जीरो। अब जी में जाओ, जीरो होंगे दोनों में, तो जीरो ही होंगे ना, क्योंकि ये जीरो है, दो इसमें दो मेंबर का कैसा है, नॉन कोलिनियर, तो क्या हो जाएगा आपके पास, जीरो। ठीक है, कितना हुआ बताओ, टेन। तो आंसर है क्या, टेन आ रहा है। ठीक है, ऐसे बनाना है, ठीक है। हेलो, हाँ मेरे को पेपर बनाना है, एक घंटा लगेगा। हाँ ठीक है, वहीं आ जाता हूँ, ठीक आ रहा हूँ, दस मिनट फोन करूँगा ना नीचे। ठीक, हेलो, अब बस अब समझ में आया, दो ही रूल यूज़ करना है। एक रूल क्या यूज़ करना है आपको, देखो एक रूल आपको क्या यूज़ करना है, ये जॉइंट है दोनों, दोनों नॉन कोलिनियर है, मतलब एक लाइन पे नहीं है, इसका डायरेक्शन नहीं है, इसका ये है, तो दोनों फोर्सेस क्या हो जाएंगे, जीरो, कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं आना चाहिए। सेकेंड रूल क्या है, अगर तीन मेंबर है, तीन में से दो कैसा है, कोलिनियर, ये क्या हो जाएगा, जीरो। अब देखो एक आपको ये भी देख सकते हो, अगर आपका ये जॉइंट है इसमें दो मेंबर है लेकिन एक एक्सटर्नल फोर्स है, तो ये भी सपोज तो मेंबर ही होगा, एक फोर्स आ रहा है, तो एक फोर्स भी आपके इसमें भी आएगा, तो टोटल कितना हो गया, जॉइंट में तीन फोर्स, तीन में से दो कैसा है, कोलिनियर, तीसरा क्या हो जाएगा, जीरो। ठीक है, अब बाकी क्वेश्चन जो मैं भेजा हूँ उसको आप लोग क्या करना, प्रैक्टिस करना, बताना क्या क्या बना, कल इसके आगे पढ़ेंगे। ठीक है, ये दो रूल पढ़ के आना, इसमें एक क्वेश्चन और है, जीरो फोर्सेस। सर इसमें ना सर एक डाउट था, मतलब हाँ बताओ सर, वो जो पी वाला ए जॉइंट में जो लगा रहे हैं सर, वो सेकंड रूल के हिसाब से सर उसमें लिखा है इफ नो फोर्सेस आर एक्टिंग एट अ जॉइंट, तो मतलब उसमें फोर्स एक्टिंग कर रहा है सर ए जॉइंट पे सेकंड रूल के हिसाब से, तो उसमें थर्ड रूल लग रहा है ना, रूल नंबर थर्ड क्या पढ़ा है, पढ़ो रूल नंबर थर्ड, मतलब आपका इस जॉइंट में तीन फोर्स लग रहा है, तीन फोर्स लग रहा है, रूल नंबर थर्ड क्या पढ़े हो सर, रूल सेकंड थर्ड कहाँ पढ़े सर, सेकंड ही पढ़े, हाँ सेकंड क्या पढ़े हो, पढ़े उसको क्या पढ़े हो, इफ थ्री मेंबर्स आर मीटिंग एट अ जॉइंट, तीन मेंबर मतलब तीन मेंबर में तीन फोर्सेस आएंगे, तीन मेंबर मतलब तीन मेंबर में क्या आएंगे, तीन फोर्सेस आएंगे, तीन में से दो फोर्सेस कैसा आएगा, कोलिनियर, तो इसमें सेकंड रूल लगेगा, सेकंड रूल मतलब इस जॉइंट में देखो कितने फोर्स आएंगे, तीन, एक आपका एआई का आएगा, एबी का आएगा, एक्सटर्नल फोर्स पी आएगा, इसमें तीन फोर्स आ रहे हैं, तीन में से दो फोर्स कैसा है, देखो सेम लाइन में है, तो तीसरा क्या होगा आपके पास, जीरो। ठीक है सर, उसमें जो सपोर्ट लिए हैं वो हिंज ही रहेंगे, इफ नो एक्सटर्नल फोर्स आर एक्टिंग एट अ जॉइंट लिखा है सर लास्ट लाइन में, इफ नो एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग एट दैट जॉइंट, तो लेकिन उसमें तो एक्टिंग हो रहा है सर पी एक्सटर्नल, वो आप उसका मीनिंग नहीं समझे, तीन मेंबर है, ठीक है, इसमें एक फोर्स मान लो एक्ट किया, तो कितने फोर्स एक्ट कर रहे हैं जॉइंट में, देखो कितने एक्ट कर रहे हैं, चार, तो चार के लिए नहीं, चार, लेकिन यहाँ तीन हो रहा है ना, तीन में से दो कैसा है, सेम, इसलिए जीरो हो गया। ठीक है, एक एक्सटर्नल फोर्स है, उसको आप रूल नंबर टू में आ गया, आएगा। ठीक है, अगर सर वो वर्टिकल में एक और मेंबर दे देते तब होता सर, हाँ इसमें मान लो एक मेंबर कुछ और दे देता आपका, तब जीरो नहीं होता, हाँ सर ठीक, ये रूल नंबर टू लग जाएगा उसमें। ठीक है, आप लोग इसका प्रैक्टिस कर लो, ठीक है, क्वेश्चन को कल सर, हाँ सर, एच आई और जी एच कोलिनियर कैसे, समझ नहीं आया सर,
देखो एच आई आपका नॉन कोलिनियर है, कोलिनियर थोड़ी हो आपको आई ज्वाइन को देखो आई में देखो ये दोनों जीरो हो गया ये जीरो हो गया ये जीरो ये दो मेंबर को हटा दो आप ये हटा दो ये हटा दो अब कितना बचा दो मेंबर आई एच और क्या बचा आई सी बचा अब इस जॉइंट में दो मेंबर है दोनों कैसा है नॉन कोलिनियर नॉन कोलिनियर नॉन कोलिनियर अब कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं है इससे दोनों क्या हो जाएगा जीरो जीरो हो जाएगा क्योंकि मेंबर आपका मेंबर में फोर्स आते हैं तो ये भी फोर्सेस लगेंगे इसमें ठीक है इसलिए फोर्सेस लिखा हूं मैं मेंबर का फोर्सेस लिखा हूं देखो सर इसमें फर्स्ट वाले क्वेश्चन में ए जीरो हो जाएगा क्या देखिए तो क्या चीज मैकेनिक्स 50 नहीं पढ़ते अपन पता नहीं हम लोग जो नहीं पढ़े हैं मैं था जब ज्वाइन ना हाँ तो वो तो ये शॉर्टकट है आपसे वो भी पढ़ेंगे अपन लेकिन वो आने वाले नहीं एग्जाम ये शॉर्टकट है हाँ उसी का लॉन्ग कट है ये जो बस शॉर्टकट में निकाले अपन हर ज्वाइन को लेके निकाल सकते हैं लेकिन वो क्या है 20 मिनट लगेगा इसको पूरा निकालने में हर मेंबर का ऐसे में आपको विद इन 1 से 2 मिनट में आ जाएगा ठीक है हाँ बताओ क्या बोल रहे थे सर हाँ सर वो नंबर ऑफ मेंबर का ज्यादा है तो हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि रिडंडेंट है या डेफिशिएंसी है आप m इक्वल टू क्या लिखोगे नंबर ऑफ मेंबर 2j माइनस 3 ये निकालना अगर दोनों इक्वल आएंगे तो परफेक्ट है अगर m ज्यादा आएगा तो क्या हो जाएगा रिडंडेंट m कम आएगा तो क्या हो जाएगा डेफिशिएंट ठीक है स्टार्टिंग से लिखवाया ना देखो बात हो गई हाँ तो गायब हो गया क्लास हो गई क्या क्या वहां पे रिएक्शन आएगा ना रिएक्शन आएगा तो वहां पे कैसे जीरो होगा नहीं होगा वो सब मैं कल कराऊंगा क्वेश्चन वो सब मैं कल कराऊंगा ठीक है जो क्वेश्चन आप बोल रहे हो ना वो सब मैं कल कराऊंगा समझाने के लिए ठीक है आप इसको पढ़ के आना कल इसका क्वेश्चन करेंगे क्योंकि क्वेश्चन आपका यही शॉर्टकट से बनेगा आपको मेथड ऑफ जॉइंट ये सब यूज करके नहीं बनाना है ठीक है मतलब कि क्या बोल रहे हो पर इक्विलिब्रियम से मेंबर इक्विलिब्रियम इक्वेशन से कम हो उसी को डेफिशिएंट बोलेंगे हां अगर आपका मेंबर कम है इक्विलिब्रियम इक्वेशन ज्यादा है तो क्या हो जाएगा आपके पास डेफिशिएंट हो जाएगा ठीक है मेंबर कम ही हो जाएगा हां ठीक है आप लोग पढ़ के आने कल आगे करेंगे ठीक है